रमजान स्पेशल प्रोग्राम रमजान का समा सिर्फ समा डिजिटल पर। इस माह रमजान समा डिजिटल पर बांधेंगे रमजान का समा, सजेंगी इबादत से सहरो अफ्तार की रौनकें, करेंगे कससुल अंबिया और सीरत नबी से दिलों को मन। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा समा डिजिटल पर अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों बरकतों मगफरतों वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलूँ, मिलवाते चलूँ अपने खास मेहमानों से। आज हमारे साथ अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन रमज़ान का समा में मौजूद हैं सिकंदर हयात, हु इज़ स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर फॉर पंजाब, और हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद अरशद हामी साहब, हमारे साथ हैं कारी अताउल मनान वारसी साहब, हमारे साथ हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, और हमारे साथ हैं हमारे कोहोस्ट एज यूजुअल मिस्टर हाफिज मोहम्मद इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सिकंदर साहब, आप तशरीफ लाए, कारी साहब, और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज्वाइन करते चले जाएंगे और स्क्रीन पर कुछ देर में हमारा टेलीफोन नंबर भी होगा, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं किसी मसले के हवाले से। सिकंदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब में तालीम के महकमे को देख रहे हैं, तालीम की वजारत इनके पास है। आपके इलाके में कहीं भी आपको कोई स्कूल के हवाले से, तालीम के हवाले से अगर कोई मसला है, दरपेश है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो सिकंदर साहब कोशिश करेंगे यकीन इनके जो इनको जिम्मेदारी मिली है वो यहीं से आपके लिए कुछ कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर साहब, और यकीनी तौर पर हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर अगर मसला होगा तो वो यकीनी तौर पर आप उनकी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से दरख्वास्त है कि तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا صدق رسول النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين جزاك الله। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, कारी मोहम्मद अरशद हामी साहब, आपसे गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद।
उनका दर। उनका दर चूमने का सिला मिल गया। सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। उनका दर चूमने का सिला मिल गया। तबा मिल गया हश्र में दामन मुस्तफा मिल गया। उनका दर चूमने का सिला मिल गया। उनका जूरों के जुर्मत में क्या मिल गया। उनका जूरों का जुर्मत में क्या मिल गया। बाग गुल दे बरी का पता मिल गया। सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। जिसको तैबा की ठंडी हवा मिल गई। जिसको तैबा की ठंडी हवा मिल गई। बस उसे जिंदगी का मजा मिल गया। उनका दर्द चूमने का सिला मिल गया। मिदहत मुस्तफा का ये एहसान है। मिदहत मुस्तफा का ये एहसान है। मेरा सिलसिला मिल गया। मेरा एहसान से तो सिलसिला मिल गया। उनका दर्द चूमने का सिला मिल गया। सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। जज़ाकअल्लाह। मेरा तो आसान से सिलसिला मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सिकंदर साहब, कैसी चल रही है वजारत? चंद दिन गुजरे हैं, काफ़ी भागदौड़ हो रही होगी। आते साथ ही एक के बाद एक, एक के बाद एक मंसूबे शुरू हुए चले जा रहे हैं। एक कदम कहीं है, दूसरा कदम कहीं है। इस पर मारिन जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया और सही कह रहे हैं आप, अभी तो एक हफ्ता 10 दिन हुए हैं, बट रोज़ नई इंटरवेंशन हो रही हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा सुबह 8:40 पे ऑफिस आ जाती हैं, सारे ऑफिसर्स उनसे पहले वहाँ, और हम भी 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। बट इसकी मेजर रीज़न ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये मुल्क मुश्किल में, इस सूबे के लोग तंग हैं। आप तालीम मेरा तो सब्जेक्ट है और मैं बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि तालीम वो वाहिद रास्ता है जो हमारे सूबे के फाइनेंशियल मसाइल का हल है, हमारी एचआर के मसाइल का हल है, हमारे नौजवानों के की जॉब्स के मसाइल का हल है, और फिर सिविक्स, एथिक्स, अमन, खुशहाली, हर चीज़ तालीम से मुंसलिक है। और हमारा विजन यही है कि हम अगले आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसा कर सकें कि मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ कही थी जिसे मैं हमेशा अपने सामने रख के फैसला करता हूँ कि ऐसे तालीमी निज़ाम और निसाब बनाना सिकंदर कि 5 साल बाद तुम्हारी बेटियों और बेटे भी उन्हीं स्कूल्स में पढ़ सकें जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आज मुतवसत तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो कोशिश कर रहे हैं सर इंशाल्लाह। क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप कोई स्ट्रेटजीज, कुछ पॉलिसीज आपके एंड से क्या हैं जो आप? जी देखें, कुछ तो चीज़ें इस तरह की हैं जिन्हें हम रैशनलाइज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इस तरह करिकुलम है, उसमें हमें जो लेटली पता चला कि ग्रेड 8 में सी डी रोम पढ़ाया जा रहा है और सी डी रोम दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, तो वो कोर्सेज पढ़ाएँ खुदारा जो आउटपुट दें। फिर तालीम देना मकसद नहीं है, अच्छी तालीम देना मकसद है, ताकि उसे एफ़ ए बी ए एफ एस सी एम ए के बाद फिर हमारे जैसे लोगों के लिए सिफारिशों के पीछे ना पड़ना पड़े। तो उस पे जाएं जो दुनिया पे जा रही है, आईटी पे जाएं, आप जाएं कोडिंग सिखाएं उन्हें, पाइथन, उन बच्चों को स्पेशल बच्चे जो हैं हमारे उनके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ जगह बनाएं ताकि वो इन्हीं स्कूल्स में पढ़ सकें। उनके लिए बड़े मेजर रिफॉर्म्स कर रही हैं चीफ मिनिस्टर साहब। बच्चियों के लिए आपने देखा कि उन्होंने स्कूटीज़ जो हैं वो दे रही हैं, बसेस को हम रिवैम्प कर रहे हैं दोबारा, जो हमारे पास तौर पे जो एडिशनल बसेस चाहिए उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि स्कूलों को खूबसूरत बना रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग पे बड़ा काम एक्सटेंसिव होने जा रहा है, और फिर इंशाल्लाह सबसे बड़ी चीज़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं एक प्राइमरी स्कूल की जब बात करते हैं। की माजा चाहता हूँ, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन हम तो ये सुनते आए हैं कि पंजाब में पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास और मुल्क मुआशी बोहरान से दो चार है, तो ये सारा कहाँ सर? आपको बड़ी खुशी होगी कि इनमें से 80% प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं चाहिए। देखें जिस तरह ये कहा जाता है, मैं टीचर्स की बड़ी कदर करता हूँ और मेरे स्टार्स हैं टीचर। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क और माशरे में टीचर्स की इज्जत ना हो, हमें टीचर्स को स्पेशलाइज पासपोर्ट्स देने चाहिए, हमें टीचर्स को प्रायोरिटी आईडी कार्ड्स देने चाहिए, हमें टीचर्स को एयरपोर्ट्स पर प्रोटोकॉल्स देने चाहिए उनसे बैठ के। बट मैं इस चीज़ का भी देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक स्कूल है, हमें लेटली ये पता चला कि एक स्कूल है सर, उसमें 14 वो हमने दिया, डॉक्टर अमजद साकिब साहब बड़े नेक आदमी हैं, हमने उन्हें दिया एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, तो वो फरमाने लगे कि स्कूल में 14 बच्चे हैं और 17 टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल है और 2 PhDs भी हैं। तो देखें स्टूडेंट टीचर रेशो हमारी बहुत बेहतर है, हमें कोई 1.5 लाख एजुकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अगर 10-20-30 हज़ार बच्चे भर्ती करने हैं तो हमें ज़रूर भर्ती करने और अच्छे क्वालिटी के बच्चे भर्ती करने हैं, और हम इंशाल्लाह और मेरिट पे भर्ती करने हैं ताकि उन नौजवानों को उन मसाइल जिसमें वो बेरोज़गारी में मुबतला हैं। बट साथ ही साथ सर ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि देखें अगर नौजवानों के बेरोज़गारी के मसाइल हैं तो उसका हाल ये नहीं है कि उन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंडक्ट कर दो, आपने ये करते करते PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, वो लेने को तैयार कोई नहीं। तो अगर मैं देखूं तो हमारी स्टूडेंट टीचर रेशो 30-35 है जो कि दुनिया में आइडियल है, और ये मोस्ट डेफिनेटली मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 38-40 से ऊपर किसी सूरत भी नहीं है। तो और जो एजुकेटर्स का मॉडल है बीकन हाउस का, उसकी 35-36 है, तो क्यों टीचर्स नए भर्ती करें? इस फिनोमेने को पहले तो करेक्ट करें ना कि एक स्कूल में 13 टीचर और एक में 50 हैं, तो उन्हें दोनों को 25-25 कर दें, जहाँ पे फिर मजीद नए टीचर्स की ज़रूरत पड़े ज़रूर लेके आए, टीचर्स हमारे स्टार हैं, बट उनसे आउटपुट लें कि आपने क्या किया है। ये निज़ाम जिस पे हमें ये सोचना होगा कि करीबन $2 बिलियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च हो रहे हैं हर साल, और 50,000 स्कूल हैं, और बच्चे को तालीम मेयारी फिर भी अगर नहीं मिल रही, हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर से 2 गुना ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं, कहीं कहीं जगह पे हमारे प्रिंसिपल्स 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 3-3 गुना ज़्यादा, और अच्छी बात है उन्हें इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, बट उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट तो मिले। और फिर ये नहीं भूलना चाहिए हमें सर कि ये सारे पैसे भी हम दे रहे हैं, यही जो 130 रुपये पेट्रोल में टैक्स है ना, रोज 125-130 रुपये आप 4 दफ़ा देते होंगे अगर 4 लीटर, आप बिजली के बिलों में जो है वो ये सारे टैक्सेस, और फिर अगर प्राइवेट स्कूल्स का मसला भी है वो देखें उनकी नहीं, मैं प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रही हूँ जी, जैसे प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स जो होते हैं जो ग्रेड 1 से 5 तक होते हैं वो प्राइमरी हैं। हाँ जी, एलिमेंट्री 5 to grade 8। हाँ जी, तो ये मुझे बताएं कि आप क्या इसमें देखते हैं वॉइड, क्या इसमें चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है फुलफिल करनी चाहिए? समझे लेट्स से गवर्नमेंट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे को अपना बच्चा एडमिट करवाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? इनका जवाब हमारे इलाके में ना, इसी से रिलेटेड है वो जी, इसी वजह से मैंने कहा कि साथ मैं भी शामिल करूँ। हमारे इलाके में, बल्कि मैं अगर अपनी बात करूँ, अपने भाइयों की बात करूँ या अपने दौर की बात करूँ, आज से हम सन 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ना बच्चों को बड़े फ़ख्र से उनको दाखिल करवाया जाता था, और इतनी अच्छी तालीम थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, बल्कि एक ऐसा माहौल था गाँव के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो तालीम का बेड़ा गर्क हो गया वहाँ पे, कोई आज ये सूरत हाल है कि हमारे उस इलाके के अंदर
कोई मेरा ख्याल है कि 20 स्कूल होंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई अपने बच्चे को ख़ास तौर पे प्राइमरी लेवल के जो स्कूल है वहाँ पर गवर्नमेंट सतह पे जो वहाँ पे कोई अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह ये कि वहाँ पर माहौल नहीं ऐसा तालीम का रह गया, असातज़ा आते हैं और अपनी जो गपशप लगा के तो चले गए, तो ये क्या वजह है? देखिए सर, इसमें नंबर वन सबसे आपने बहुत अच्छी बात की, अच्छे और बुरे असातज़ा का फ़र्क करना उसका मैकेनिज्म ही नहीं है जी। 10 बाद अच्छा भी प्रमोट हो रहा है, बुरा भी प्रमोट हो रहा है। फिर अच्छे को उस्ताद को जिसने परफॉर्म किया, हमारी बहन हो, हमारे भाई हो, हमारे उस्ताद हमारे लिए मोहतरम है, उन्हें रिवॉर्ड करें। प्राइवेट सेक्टर वाले उठा के अमेरिका की कोर्सेज करा रहे हैं, सबसे बड़ा आलमी आपने सही फरमाया। हमें एज ए कौम ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि पिछले 20 का आप रिकॉर्ड उठा के देखें। मैं ये रोज़े में आपसे बड़ा ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि हर की पोजिशन गरीब आदमी के बेटे और बेटी ने ली और वो सरकारी स्कूल में पढ़ा। होता क्या है कि आते हैं पंजाब कॉलेज वाले, उठाते हैं उसकी तस्वीर और लगा देते हैं अपने बोर्ड पे एक होंडा सिविक देख के कि हमारे 1380 बच्चे, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। आते हैं सुपीरियर कॉलेज वाले, कहते हैं हमारे से आप ऑल्टो ले लें, आप हमारे बोर्ड पर आ जाएँ, पढ़ा हमारे स्कूल से, गरीब आदमी का बेटा था, सरकार के सिस्टम ने 10 में उसे स्टार बनाया है, आ जाते हैं एस्पायर कॉलेज वाले, हम होंडा सिटी देंगे, आप हमारे बोर्ड पे तस्वीरें लगा लें। तो पहले तो ये था कि पिछले 20 में नहीं सर, हमारे लिए वो बड़े मोहतरम है। देखें प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर 25 करोड़ बच्चा हम पढ़ा रहे हैं तो 1 करोड़ वो भी पढ़ा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि वो हमारा क्रेडिट नहीं ले सकते, वो क्रेडिट हमारा है इस सिस्टम का, इस निज़ाम का, पाकिस्तान का है, इस तालीमी निज़ाम का। हाँ, उस तालीमी निज़ाम के अंदर असलाहत की ज़रूरत है, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा एलिमेंट्री, अब अगर गांव में स्कूल ही 5वीं तक है तो 5वीं बाद क्या करे, वो बेटी को घर ही बैठाएगा? एक भाई चाहिए जो छोड़ के आए अगले गांव में, एक बाप चाहिए जो फैक्ट्री में काम करके उसकी फीस के लिए तो पहले ही उसके खाने के लिए मेहनत कर रहा है, कौन छोड़ के आए, माँ जा नहीं सकती। फिर उसके बाद आपने ये भी सही फरमाया कि बहुत अच्छा निज़ाम था और वो उसके भी इशूज़ हैं, हमें पॉलिसीज़ ये लानी है कि अच्छे परफॉर्मिंग स्कूल्स को अलहदा करें, बुरे परफॉर्मिंग स्कूल्स को अलहदा करें, अच्छे टीचर्स को अलहदा करें, बुरे टीचर्स को अलहदा करें, ताकि उन पर मज़ीद मेहनत हो सके। और दुनिया में तरक्की के मॉडल्स में सर आपने टारगेट सेट करने होते हैं, आप पहले फैसला करते हैं। अब आपने ही तो फरमाया कि प्राइवेट स्कूल देखे ना, 30 कनाल में सरकारी स्कूल है मेन रोड पर, उसके असातज़ा 3 गुना तनख्वाह ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल से, उसकी तादाद है 300 30 कनाल में, 7-10 मरले के अंदर प्राइवेट स्कूल है, उसके असातज़ा की तनख्वाह भी हमारे गवर्नमेंट टीचर से 1/4 है बट तादाद उसकी 1000 है, क्वालिटी एजुकेशन भी हमारे से बेहतर दे रहे हैं। तो फिर रिफॉर्म्स तो चाहिए ना इस निज़ाम को, वो हम और ये उस्ताद और टीचर्स जो हैं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हम बैठेंगे। हम मैं ऑलरेडी तालीमी पंचायतें कर चुका हूँ, बट गलत को गलत, सही को सही कहना होगा, फैसला ये जो आपकी स्ट्रेटजीज है, जो पॉलिसीज है, ये आप कब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि चेंजेस, स्पेशली जब बात करते हैं ना बच्चे की बेस की, तो ये जो किंडरगार्टन हो गया, ये जो प्राइमरी बेसिक क्लासेस होती है ना 1st-5, ये कहीं पे हर कोई अपना बच्चा भेजने से पहले 10 बार सोचता है, घबराता है। एवरीवन इज़ यू नो ट्राइंग हिज और हर बेस्ट कि वो किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में जाए जहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरी मिले, तो बाकी स्कूल्स निगलेक्ट होते हैं और फिर वो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है बच्चों में भी, देखे ना, तो उस चीज़ को आप कर रहे हैं बट अगर निसाब के अंदर सीडी रोम दुनिया में खत्म हो गया और 8वीं में हम सीडी रोम पढ़ा रहे हैं तो फिर तो बदलना बनता है ना सर, आउटडेटेड चीज है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं उसे? अच्छा, ये कमिंग आउटडेटेड चीज़ के ऊपर, ये जो आउटडेटेड, इस हमें ज़रूरत है कि हम अपडेट हों जो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है उसके, कि हमने 1900 सर ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें 10 पहले कंप्यूटर्स दिए हैं और उन्होंने कंप्यूटर्स के डब्बे अभी नहीं खोले। ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, अब देखिए ना, अब उनमें 5 तो ऐसे ऐसे स्कूल्स भी हैं देखें साथ ही साथ कि जिन्हें वो कंप्यूटर्स दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार बच्चियाँ वो कंप्यूटर से तालीम हासिल कर रही हैं, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट तो करें, करना पड़ा है, उसे अप्रिशिएट करें जिसने वो कंप्यूटर खोले, उसने मेहनत की। ऐसी ऐसी बहनें जिन्होंने अपनी जेब से अपने स्कूलों में अपनी तनख्वाहों से, देखे इन्फ्लेशन, उन्होंने कमरे बनाए स्कूलों के। ऐसी ऐसी स्टार्स हैं जिन्होंने, मैं कल अप्पा कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने
मल्टी मीडियाज डोनेट किए जिसको, बट कमिंग टू हर पॉइंट, इससे पहले आप मेरे पॉइंट पर आए, एक कॉलर ले लें हम पहले। जी जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मुकीत मलिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा मुफ्ती साहब से ना एक सवाल है, मेरी वालदा जो है वो बीमार रहती हैं, तो क्या अभी जो मतलब मैं भी रोजे रखा हूँ उनको मैं मना कर दूँ कि वो रखें, मैं उनकी जगह रोजे रखता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है? ठीक है मुकीत साहब, आपका जवाब लेते हैं अभी मुफ्ती साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिकंदर साहब कंटिन्यू जरा। अब मैं इनसे ये, इन्होंने जिस तरह हमें कुछ चीज़ें बताई, हमारा एज पाकिस्तानी कौम एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि मेरी फील्ड कुछ और है, बट मैं सबसे बेहतर मशवरे देता हूँ कि आज क्रिकेट में बाबर आजम ने शॉट गलत कौन सी खेली। मुझे ये भी पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या गलती की, मुझे ये भी पता है इस मुल्क के तालीमी निज़ाम के क्या मसाइल हैं, मुझे ये भी पता है कि हस्पताल ठीक करने वाले हैं, मुझे ये भी पता है कि वो कैसे ठीक होंगे, बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसले करने से पहले दुनिया रिसर्च करती है, रिसर्च कि निज़ाम क्यों ख़राब है, ये कैसे ठीक होगा, डिसीजंस जो हैं वो एंगेज होने चाहिए उन स्टेक होल्डर्स के साथ। मैं कमरे में बैठ के हज़ारों फैसले कर सकता हूँ सर, मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए सारे स्कूलों में, मैं कर सकता हूँ, बट ये मुझे उन्हें पूछना होगा, वो जो टीचर्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपके स्कूल्स कैसे होने चाहिए, तो तब ज़्यादा बेहतर डिसीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एंगेजमेंट मशावरत नंबर वन, नंबर टू रिसर्च, कि आप वैसे ही जिस तरह मैंने कहा कि ये मैं बड़ा ओपनली आई एम सेइंग इट अगेन कि हर जगह जाता हूँ 1.5 लाख टीचर चाहिए, मैंने स्टूडेंट टीचर रेशो, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, मेरे पे भी इन्वेस्ट किया है इस मुल्क ने, टैक्स पेयर्स मनी लगी है, तो मैं वहाँ जाके मैंने देखा तो चाहिए तो 10-20 हज़ार टीचर्स एट मोस्ट अगर चाहिए, कहा जाता है 1.5 लाख टीचर चाहिए, और इसी तरह मैं ये गलत है 1.5 लाख टीचर का जी, एब्सोल्युटली गलत है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में स्टूडेंट टीचर रेशो आप सिंपली लगा लें कि अगर 30-35 है एजुकेटर्स की, 36 है तो हमारी भी उतनी है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि स्पेशलाइज्ड टीचर्स कहीं कम है, आईटी टीचर्स कम है, साइंस टीचर्स कम है, एक स्कूल में मैंने आपको सर बताया 50 में 50 हैं, एक में 15 हैं, तो 50 और 15 को रैशनलाइज कर देना। अब एक प्राइमरी स्कूल की आपको कहानी सुनाइए कि उसमें 2 PhD टीचर्स थे, तो क्या हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट होता रहे इतने साल? प्राइमरी स्कूल के अंदर PhD टीचर्स की ज़रूरत क्या है? और जिसने उस स्कूल में टीचर्स की ड्यूटी लगाई उसे नहीं सोचना चाहिए कि 13 बच्चे और 17 उस्ताद के यार बाकी उस्तादों को उठा के उन स्कूल्स में दे दो जिनमें जहाँ पे जरूरत है वो बच्चे नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन रिसोर्स से हम फायदा नहीं उठा पा रहे। मुफ्ती साहब सवाल आपने सुना, मुकीत साहब फैसलाबाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसूल याद रखें जनाब कि जब तक कोई इंसान जिंदा है ना तब तक वो अपने मामलात के हवाले से खुद जवाब दे। हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे की नमाजें कोई और पढ़ लें, ये नहीं कह सकते कि इस बंदे के रोज़े कोई और रख ले, इसकी तरफ से हज कोई और कर ले, तो ये सारे के सारे मामलात जब तक कोई बंदा ज़िंदा है तब तक उसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी खुद है। हाँ ये एक सूरत हो सकती है किसी मामले के अंदर शरीयत ने किसी चीज़ को इस्तिस्ना दिया हो तो फिर उसके हवाले से एक और हुक्म होगा, जैसा कि एक बंदा ज़िंदा है तो कोई बंदा कहे जी उसकी तरफ से रोज़ा मैं रख लूँ, ये नहीं है, या तो उसको खुद रोज़ा रखना होगा या फिर उसकी कज़ा होगी, अगर कज़ा नहीं है तो फिर उस पर फिदिया होगा। और अगर बिलफर्ज कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो दुनिया से चले जाने के बाद अगर बिलफर्ज उसके ऊपर हज फर्ज था उसने नहीं किया, अब उसकी तरफ से कोई नायब बन के उसका हज अदा कर सकता है, रोज़े उसने नहीं रखे थे तो अब चूंकि रोज़े का ना एक मुतबादल मौजूद है, फिदिया मौजूद है, तो उसका फिदिया अदा करना होगा। हाँ अगर आप अपने वो जो भी आपकी वालदा साहिबा हैं या कोई भी हैं जब तक ज़िंदा है तो आप उनकी सेहत के लिए दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सूमु तसिहु औ कमा काल कि तुम रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा दे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रखते हुए किसी बंदे को इस नीयत के साथ भी, बल्कि नीयत तो ये होनी चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है, और बाद में ये भी साथ होनी चाहिए कि मौला करीम मैं बीमार हूँ, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सेहत मिल जाएगी तो यकीनन सेहत भी मिलेगी, तो ऐसा अमल करके देखें। और रही बात ये कि मेरी गुजारिश मेरा भी सवाल है कि अगर उस बंदे की जिस कुव्वत और सेहत की इजाज़त ना दे रही हो कि वो रोज़ा रखे, अगर किसी की सेहत इजाज़त नहीं दे रही तो शरीयत कहा है कि मेरी शरीयत ने उसको दिया है ना फिदिया, वो अब फिदिया अदा करे, या कज़ा रोज़े भी रख सकते हैं, कज़ा रोज़े अगर तो उसको सेहत मिल जाती है बेहतर हो जाती है, कज़ा रोज़े असल तो चीज़ यही है कि जब तक उसकी सांस चल रही है
तब तक उसको हम कहेंगे कि जब भी तुम्हारी सेहत इजाज़त दे तुम रोज़ा ही रखो, क्योंकि कुरान कहता है व अन तसूमु खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून फमन शाहिदा मिनकुम अश्शहरा फलयसूम, कि तुम में से जो भी कोई इस महीने को पाए तो उसको चाहिए कि इसका रोज़ा रखे। तो असल चीज़ तो रोज़ा रखना है। तो जब ये चीज़ साकित हो जाए, किसी बंदे से उम्मीद ही नहीं कि वो कभी रोज़ा रख पाएगा, तो उसका मुतबादल शरीयत ने दिया कि उसका फ़िदिया अदा कर ले। ठीक हो गया। अच्छा सर, सिकंदर साहब, ये जो एक मुकाबला या मुसाबकत या आप ये कहें ये जो प्राइवेट सेक्टर है या जो हमारा निसाब तब्दील हुआ, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब वो 4-5 साल से किसी और ज़ुबान में तालीम हासिल कर रहे हैं, और आपने 5वीं जमात तक को बच्चा पहुंचा है, आपने उसका 0 से निसाब बदल दिया, उसको एक नई ज़ुबान में डाल दिया, वही किताबें जो 5 साल तक उसने और ज़ुबान में पढ़ी हैं, 6ठी जमात में वो किसी और ज़ुबान में जाएगा। खाली यही नहीं जुल्म सर कि आपने उन टीचर्स को भी ट्रेन नहीं किया जिन्होंने वो निसाब पढ़ाना था। इसलिए मैंने मैडम के सवाल पर कहा कि फैसले तो वो होने चाहिए जिसमें सबको इंगेज करें, स्टूडेंट्स को बुलाएँ कि क्या ये पढ़ सकते हो, टीचर्स को बुलाएँ कि क्या ये पढ़ा सकते हो, नहीं तो हमें कितना ट्रेन करना पड़ेगा आपको। और मैं समझता हूँ कि इसमें फिर हमें और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की फिर ब्लेम गेम आ जाती है, बट पूछना चाहिए मुराद राज साहब से। एक कॉल अगर हम ले लें। जी प्लीज। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद जाहिद बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। मेरा सिकंदर हयात भाई से सवाल है कि मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी जरूर जरूर, सिकंदर साहब सुन रहे हैं। जी जी, वो सवाल ये करनी थी कि देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो हमारा है ही नहीं, ये हम पे मुसल्लत किया गया है। तो अब देखिए हमारी सरकारी जुबान उर्दू है और सारे हमारे मामला अंग्रेजी में तय होते हैं। तो अब हमारा तो ये सिस्टम होना चाहिए था कि हम लोग गाँव में दरख्त की छाव के नीचे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा और एक पॉश एरिया में ठंडी हवा ठंडे कमरे में बैठ के पढ़ने वाले बच्चे के सामने किताब एक ही खुली होती, तो एक सिस्टम पूरा माशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से वो मैनेज होता। तो अब क्या वजह है कि हम लोग एक मुतजलजल हैं, हम हमारा मामला कहीं और है, हम कल कुछ और रहे हैं और हम गुलाम दर गुलाम पैदा होते चले जा रहे हैं, और पूरे उनके सिस्टम के जो यहूदियों सारा सिस्टम है उसको चलाने के लिए यही हमारी खपत है जो निकलती है नज़ारों से और वो चला रही है। बहुत अच्छा सवाल किया जी, जिन्होंने भी किया मैं इनका बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने मेरे उसी पॉइंट को इंडोर्स किया कि जो भी मिनिस्टर साहब आते हैं वो अपने दफ्तर में बैठते हैं और उन्हें ख्याल आता है कि ये सबसे अच्छा फैसला है इस कौम के लिए और वो हुक्म सादर फरमा देते हैं। तो हमने इस पर करिकुलम रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई है जिसमें प्राइवेट सेक्टर से लोग शामिल हैं, इस जैसे नौजवान भी शामिल हैं, कि आए मिल के बैठ के पहले तो ये देखें, ये फैसले कर लें कि ये 10-15 साल की एजुकेशन पॉलिसी है, ये नहीं होता कि 3-4 साल हमने कुछ किया अगले ने आगे कुछ और किया। तो ये जो पॉलिसी है इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, निसाब कैसा होगा, निसाब कौन सा होगा, और फिर देखें व्हाट्सएप पे रात को हमारे पास मुल्क में दुनिया के पास बहुत टाइम है क्रेजी टैक्सी खेलने का या लूडो खेलने का, तो उनके लिए एजुकेशन से रिलेटेड को ऐसी गेम्स बना दें इंटरैक्टिव कि वो खेलें। एक वो आदमी जिसके पास स्कूल नहीं था वो इसलिए नहीं पढ़ सका, बट वो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए एक ऐसी चीज़ बना दें कि वो लिख सके, वो पढ़ सके, आपकी लिटरेसी बेहतर हो जाए। बट ये सारे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग से, इंक्लूसिवनेस से, लोगों के साथ मिल के करने से आते हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं इस बात पे भी बड़ा एडमिट हूँ कि देखें उर्दू हमारी वाकई मादरी जुबान और दुनिया हर जगह पे उसे प्रोटेक्ट करती है। इंग्लिश भी सिखाएं, मेरी समझ के अंदर तो 2-3 लैंग्वेजेस सिखाएं, बट अपनी मादरी जुबान पर अबूर हासिल करना उस पर मुकम्मल। मैं भी कैनेडा से पढ़ा हूँ, मैं एचएसएन कॉलेज से पढ़ा हूँ, पर मुझे ये शर्म नहीं आती कहते हुए कि मुझे फ़ख्र है कि मैं पंजाबी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं उर्दू बोलता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मुझे अपनी जब मैं वी केम फ्रॉम इंडिया तो मुझे जी अभी अपने पुरानी इंडिया की जो राजपूताना स्टेट है उसकी लैंग्वेज जो है हरियाणवी वो भी आती है, क्योंकि मुझे शौक है और सीखने से ही बंदा आगे बढ़ता है। तो एक्सेलेंट क्वेश्चन और इस पर हम बिल्कुल एक्ट कर रहे हैं, आप इतमाद रखिएगा कि हम ये मसले ख़त्म करेंगे कि 5वीं तक एक ज़ुबान, 8वीं तक दूसरी, 10वीं तक तीसरी, और एक निसाब ऐसा बनाएंगे कि बच्चा पढ़ सके, टीचर पढ़ा सके, आउटपुट तभी मिलेगा। सर मैं इसमें एक सवाल ही समझ लें इसको, या अपना आप बीती जो होती है ना उसमें कोई इस तरह का शुबा नहीं होता कि पता नहीं इसमें रियलिटी है या नहीं।
मैं एज ए तालब इलम जब मैं प्राइमरी स्कूल में, मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा, उसके बाद मैंने हिफ्ज़ुल कुरान किया, उसके बाद मैं जब छठी जमात में गया तो मैं एक नए अज़म के साथ गया कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे आज भी याद है कि मैंने छठी क्लास के अंदर जब शशमाही इम्तिहान हुए थे ना, तो पूरी क्लास फेल थी, तो उसमें मेरे 66 नंबर थे। हेड मास्टर साहब ने ना ख़ुद से वो क्लास ली, वो भी आपकी तरह बड़े मुतहरिक थे और पढ़ाने का बड़ा उन्हें ना एक शौक़ था, यानी हेड मास्टर होने के बावजूद वो पीरियड लेते, तो छठी क्लास का पीरियड उन्होंने लिया साइंस का, जनरल साइंस का। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई ना मुझे, मैं उन तमाम को जहन में करता गया। अच्छा, एक वक्त आया कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कहीं मुकाबले पे जाना था, लेकिन असातिज़ा ने नहीं भेजा। मैं इस बात पे भी बड़ा मुझे आज भी होता है कि अगर मुझे भेजते तो शायद मेरा आज रंग कुछ और होता, क्योंकि एक जज्बा था नया। उसके बाद मेरा मतलब ज़िली सतह पे एक नाम निकला जी, वहाँ पे आके आप मुकाबले का इम्तिहान दें, वहाँ भी मैं नहीं जा सका। अब क्यों नहीं जा सका मुझे आज तक समझ नहीं आई कि या तो असातिज़ा ने नहीं भेजा, मुकाबले के इम्तिहान में भी नहीं जाने दिया, नहीं जा सका। वल्लाहु तआला आलम कि वो क्या वजह थी, मुझे आज तक नहीं समझ आई। दो जगहों पे नाम निकला, मैं नहीं जा सका, यानी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। अच्छा, फिर एक तीसरी बात, जब हम साइंस लेबॉरेटरी में गए, मुझे शौक था कि मैं कुछ साइंस के हवाले से पढ़ूँ। जब मैं साइंस लेबॉरेटरी में गया तो मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी, वर्नियर कैलिपर है वहाँ पर जनाब, और जो जो चीज़ें नापने वाली हैं, जो तेजाब है, और भी जो भी चीज़ें हैं ना, तो उनको इस्तेमाल जब हम करने लगते तो हमें कहते जी हमारे पास ये एक ही है। तो अब मुझे इतना होता कि यार हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, हमें कोई चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी जाती। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उस वक्त समझ आई कि हमारा जो गवर्नमेंट लेवल है तालीम का, ये इतना उस गिर चुका है कि हम मजबूर हैं। तालीम का मायार गिर चुका है, और इस पर सिकंदर साहब की राय लेते हैं। बेहतरी आएगी इसका रोल ऐसे ही होगा। अजमल खान चांडिया साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं यहां पे। दो इंडिकेटर्स, सॉरी, में चांडिया साहब, प्लीज। चांडिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सियासी गुफ्तगू हो रही है जनाब, आपको दावत देते हैं उसमें। सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। रमजान ठीक चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी मशकूर हूँ समा डिजिटल के आप लोगों ने यहाँ पे मुझे मदु किया, और ये एक बड़ी बासादत महीना है, और उसमें आज यहाँ पे आपके साथ हम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। साहब जो बात कर रहे थे, हाँ जी, इनकी तरफ भी आ रही हूँ मैं भी, इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। इन्होंने जो बात की है, इससे पता चलता है कि टीचर्स का जो एक रोल है, जो मोटिवेशन उनकी तरफ से आना चाहिए बच्चों के लिए जो ग्रोइंग स्टेज में होती है, दूसरा इंडिकेटर इनका आ जाता है बजट को लेकर, तो उस पर काम चल रहा है? क्योंकि ये देखिए, ये सदियों से, एक डेकेड्स बहुत मेरे ख्याल से 10-20-30 साल पुरानी बात होगी। अब डू यू थिंक वो चेंज आ रहा है? बड़ी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप मुझे इतना पुराना भी ना समझ, मतलब आज से कोई मैक्सिमम कोई 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 30 साल है, 32 साल की उम्र है। आप शायद सोच रही हैं कि तो मेरे से भी छोटे, लेकिन मैंने आपकी एज, लेकिन देखिए यहाँ पे एज को नहीं हम हाईलाइट कर रहे, मैं तो ये कह रही हूँ कि सिस्टम जो है पिछले 3-4 डेकेड से ऐसा चल रहा है, कंटिन्यू है। आप ठीक कह रही हैं। देखें, उसमें दो बड़ी बेसिक चीजें हैं, जिस तरह की मैंने कहा कि मैं तो अभी आया हूँ 10 दिन पहले, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट, बट यस, क्योंकि मैं भी, मुझे तालीम का बड़ा शौक है जी। मैं 5 अपने इदारे चलाता हूँ सिर्फ फीमेल्स के लिए, इसमें टेक्निकल एजुकेशन भी दे रहा हूँ, BS प्रोग्राम्स भी दे रहा हूँ, 1 रुपये उन बच्चों से नहीं लेते। तो मैं नंबर 1 तो ये कि जब तक असातिज़ा के साथ कम्युनिटी नहीं मिलेगी, कम्युनिटी आप हैं, हम हैं, उस गांव के रहने वाले हैं। हेडमास्टर साहब समझते हैं अकेले कुल मैं हूँ, वो अपने फैसले कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब समझते हैं अकेले कुल वो हैं, वो अपने फैसले कर रहे हैं, CO अपने, DO अपने, स्टूडेंट्स अपने, टीचर्स अपने, सारे एक साथ बैठ के क्यों नहीं फैसले कर सकते? जब सारे एक साथ बैठ के इंगेज होकर करेंगे, गलत फैसला होने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरा टीचर्स, इसने मैंने आपको पहले कहा कि एक टीचर मेहनत करके स्कूल में कमरा बनाता है, सुबह 8 बजे आता है, 2 बजे घर जाता है, पढ़ा रहा है, दूसरे भाईजान 11 बजे आते हैं, उन्होंने अपनी जगह एक और टीचर रखा हुआ है जो उनकी जगह जाके पढ़ाते हैं, और वो 11 बजे आते हैं हफ्ते में एक दिन, और दोनों का की तनख्वाह बराबर है। ऐसे हीरोज के लिए आपने क्या सोचा? ठीक है, हम उनके लिए टीचर्स इंसेंटिव प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला कि हमें कम से कम इस तरह के हीरोज को हर तहसील के अंदर एक एक नई होंडा सिविक देनी चाहिए, ऑल्टो देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बीट करते हुए। बट साथ ही साथ ये भी सोचना होगा कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल चल रहे हैं सर 9:30 बजे, वो करा रहे हैं SAT के कोर्सेज, वो करा रहे हैं स्किल क्लासेस, और पैसे भी 10-10 गुना ले रहे हैं, तो हम 12:30 बजे क्यों बंद कर दें? इस्तेमाल करेंगे अलोन सिविल लाइंस कॉलेज जो है लाहौर में, उसमें एक कॉलेज में सर 58 PhDs,
तो उनसे काम भी तो लेना है, वो तो हमने लेना है ना, तो पढ़ाएं तीन शिफ्ट्स में, भले से उन टीचरों को कहें कि ये सेकंड शिफ्ट के पैसे आपके, इस पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तादाद मीटिंग्स की हैं, बट हम हर वो चीज़ करेंगे जो फर्स्ट क्लास सही हो, फिर उसे हम अकाउंटेबल करेंगे, उससे इंसेंटिव देंगे, रिवॉर्ड देंगे, सजा की सजा मिलनी चाहिए, जजा की जजा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ हाफिज साहब, स्कूल है, एक अनाउंसमेंट करते चले, व्यूअर्स जो है वो बहुत बेचैनी से वेट कर रहे हैं अपने फेवरेट एक और गेस्ट का इनके साथ साथ, तो हम चले बताते चले ऑडियंस को टू ब्रेक द न्यूज। मिस्टर साहिल अदीम जो है वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ देर में ज्वाइन करेंगे लाइव, और आप अपने फेवरेट सवाल भी पूछ सकते हैं उनसे लाइव, आपसे डायरेक्ट बात भी करेंगे, और कॉलर भी है मेरा ख्याल, कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 फरमाइए, कौन साहब है, कहाँ से, क्या पूछना चाहते हैं? मैं मिनिस्टर मतलब 5% की तरह जनूबी पंजाब तालीम का निज़ाम भी थोड़ी तवज्जो दे दो, ये कहना है। ठीक है, कितों बोल रहे हो? चांडिया साहब आप शायद समझ सकते हैं ये लैंग्वेज। कितो बुलाने पे वैसे ही? हेलो, सिग्नल्स का ना कुछ मसला है सिग्नल्स। हाँ। जी सिकंदर साहब, जनूबी पंजाब में तालीम का निज़ाम कमज़ोर है खासा। होपलेस, सही कह रहे हैं, बट उसमें एक और मैं आपको बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो शहबाज शरीफ साहब ने लिया और उसका मुझे अब पता चला कि देखिए दानिश स्कूल्स का मॉडल महंगा बहुत है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का, उसमें बच्चों का हाउस भी किया जाता है, बट सारे दाने स्कूल्स उन इलाकों में बनाए गए हैं जहाँ पे तालीम कमज़ोर थी। साउथ पंजाब के अजला हैं, चांडिया साहब के पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक बना हुआ है मुजफ्फरगढ़। अच्छा। दाने स्कूल है तौनसा, दाने स्कूल है बक्कर, दाने स्कूल है भावलपुर, दाने स्कूल है भावनगर, दाने स्कूल है मियांवाली, दाने स्कूल वहाँ पे, और उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया डबल ऑफन किड्स, फिर ऑफन्स, एक बच्चा जिसके माँ और बाप दोनों ही नहीं, फिर एक बच्चा जिसका दोनों में से एक नहीं, ये उनका सबसे बड़ा क्राइटेरिया। बट यस, ये सही कह रहे हैं, चोलिस्तान में स्कूल्स नहीं हैं, साउथ पंजाब के अंदर आबादियां 50-50 किलोमीटर दूर हैं, और उसकी वजह से वहां पे बड़े मेजर रिफॉर्म्स होने वाले हैं, बट उसके अंदर हम फ्लोटिंग स्कूल्स दे सकते हैं। बांग्लादेश का एक बहुत अच्छा मॉडल है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि आप एक अच्छे टीचर हैं, आपका क्वालिफिकेशन टेस्ट हमने ले लिया, उसके बाद आप अपने अपने होटल खोला हुआ, आप वहाँ पर रात को पढ़ाना चाहते हैं, आपका घर 2 कमरे का, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास टेरिस पर जगह है, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, वेरीफाई हम करेंगे। टेक्नोलॉजी आ गई है सर, फेस रिकग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब चीज़ें दुनिया के अंदर, वेरीफाई हम करेंगे, एक्सचेकर्स के पैसे ज़ाया नहीं होने देंगे, बट चला दें वो स्कूल्स, लाएं इस तरह के मॉडल्स जिसके अंदर दुनिया आगे जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन, घरों से बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ये ऑनलाइन आपने बताया, कारी साहब एक चला रहे हैं, यही बताया ना आपने। चांडिया साहब अभी जो अच्छा वही चला, हाँ, चांडिया साहब अभी क्यों नहीं, दानिश स्कूल की बात हुई है आपके इलाके में जो है, इस पर, इस प्रोजेक्ट पर तो खासी तनकीद भी हुई है दानिश स्कूल पर। बेसिकली दानिश स्कूल मुजफ्फरगढ़ में तो नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है हमारे पास 2 बॉयज और 1 गर्ल, वो भी दानिश स्कूल अथॉरिटी है, जी अथॉरिटी के हैं, और बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त जो रेशो जा रही है तो 1 सीट के अगेंस्ट 11 एप्लीकेंट हैं, एक सीट के अगेंस्ट कि हमें वहाँ पे एडमिशन दाखला मिलना चाहिए। बल्कि अब जो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे है इस वक्त COEs में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, वो एग्जेम्पलरी है, मतलब हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ, मैंने मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि हम COEs की जो तादाद हैं वो बढ़ाएं। अच्छा। तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और साथ साथ अब तो हमें जो है ना यूनियन काउंसिल लेवल पे भी COEs चाहिए, जहाँ पे हमारे स्कूल जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनको फर्दर एक्सीलेंट लेवल पे लाने के लिए अगर COE हमारे वहाँ तक पहुँच जाएँ तो इंशाल्लाह जो VN मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का है, और फिर जिस तरह लीड कर रहे हैं हमारी एजुकेशन की टीम को राना सिकंदर साहब, वो इस वक्त मैचलेस कम्बिनेशन है, और हम भी साथ साथ जो है ना जहाँ हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना उसमें हिस्सा डालें, इंशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि चीज़ें अप्रोप्रिएट होंगी। और कई ऐसी जगह हैं साउथ पंजाब की जहाँ पे अच्छे स्कूल्स भी हैं, ठीक, तो हम इंशाल्लाह जो वीक एरियाज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह पूरी तरह फोकस्ड है, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो कि एक कॉन्सेप्ट है कि साउथ पंजाब में स्कूलिंग जो है वो वीक जा रही है, उसको काफ़ी इन्हेंस किया जाएगा,
और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी काफ़ी काम हो रहा है और कई नई तजावीज़ नए एस्पेक्ट्स कवर किया जा रहा है और वहीं पे ये भी कोशिश की जाएगी कि जैसे सर ने बात की कि एक तरफ हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, साथ साथ हमें जो सबसे अहम एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है वो बिहेवियरल चेंज पे भी है कि जहाँ पे टीचर्स भी अपना रवैया बहुत अच्छा करें और स्टूडेंट्स भी, ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ाना चाह रहे या स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाह रहे, हमें एक अच्छे एजुकेशनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की जरूरत है यहाँ पे, एक चीज और इंशाल्लाह वो होगा। जी जी, मुझे ये बताइए जब हम कोर्सेज की बात करते हैं तो उस कोर्सेज को भी आप लोग चेंज कर रहे हैं, जो बुक्स किताबें जो जी मैंने आपको बताया कि करिकुलम में हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं और जब उसमें लाएंगे तो ऑब्वियसली बुक्स के अंदर भी वही चीज़ें, हम बड़ी इंटरैक्टिव गेम्स लेके आ रहे हैं हम बच्चों के लिए, बिकॉज उन्हें ये चीज़ें करती हैं, हम बड़ों के लिए जो लोग खाली आउट ऑफ स्कूल किड्स को टारगेट नहीं कर रहे, तो चीफ मिनिस्टर साहब इज़ गोइंग स्टेप अहेड कि एक माँ अगर नहीं पढ़ सकी क्योंकि उसके गाँव में स्कूल नहीं था या सिर्फ पाँचवीं तक था तो दोबारा मौका देते हैं। ठीक है, वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, वो सारी दुनिया के डिजिटल सोशल मीडिया देख रही है, तो हमारी तालीमी एप्लीकेशंस के साथ इस तरह उसे हम इनेबल करेंगे कि वो अपना नाम लिख सके, वो पढ़ सके और उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, हमें उसके अगेंस्ट हमारी लिटरेसी रैंकिंग्स में बहुत ज़्यादा। अच्छा सिकंदर साहब, जैसे अभी चांडिया साहब ने कहा है कि दरख्वास्त की है आपकी मौजूदगी में कि वहाँ पर उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है ज़रा उनकी और तादाद बढ़ाई जाए, तो ये दरख्वास्त कबूल फरमाएं। चांडिया साहब जैसे लोग जो हैं वो दे आर ऑनेस्टली आई एम वेरी 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 होपफुल कि ये जो लोग हैं ये हमारे स्टार्स, उसकी रीज़न ये है कि साउथ पंजाब से होकर तालीम की जस्तजू करना और मैं इनकी सारी एक्सेप्टेंस जो आपने कहा कि इसे एक्सेप्ट करें, मैं दिलो जान से एक्सेप्ट करता हूँ, उस पर हम बैठ के ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं चांडिया साहब को अक्सर मीटिंग्स में लेके जाता हूँ। रीज़न ये है कि तालीम के लिए एक बेसिक इंस्टिंक्ट ये भी है कि आपको शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए बिल्कुल, तो जिससे शौक हो पैशन हो वो रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, चांडिया साहब को शौक है और हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी मजीद बढ़ाएंगे, बल्कि हमारे अनफिनिश स्कूल्स पड़े हैं इस तरह तौंसा डी जी खान के अंदर 88% कम्प्लीटेड स्कूल है, 12% उसे कम्प्लीट करें, मेरे पास कई और ऐसी बिल्डिंग्स आई हैं, 10-10 साल से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, 7-7 साल से फर्नीचर अंदर पड़ा हुआ है बट वो नहीं चल रही, क्या आप सोचें कि प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी बिल्डिंग है सवाल ही पैदा नहीं कि जिसने 7 साल पहले बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग वो सर जिसमें 30-30 कमरे हैं, 25-25 कमरे हैं, 4-4 स्टोरीज हैं, टॉप का फर्नीचर है, वो डिप्लीट हो रहा है, वो रॉट कर रहा है, बट किसी को फिकर नहीं, लेकिन चलिए हमें फिकर है इंशाल्लाह और हम चलाएंगे डेवलपमेंट दिखाए। जी चांडिया साहब, मरियम साहिबा की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे पता है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज आप लोग टर्न बाय टर्न बताइएगा कि आप लोग उनकी शख्सियत को किस तरह देखते हैं एज अ पॉलिटिशियन, एज अ फीमेल, एज अ वर्किंग वुमन, और आप लोग के साथ ऑब्वियसली वो होती हैं, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वजीर आला पंजाब जी राणा साहब ने तो क्योंकि उनकी टीम का हिस्सा भी रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन मेरी उनसे इंटरेक्शन जो है वो थोड़ी कम थी, लेकिन जब मैं इलेक्ट होके आया हूँ और जब उनसे बातचीत हुई है तो मैं यकीन माने आई एम वेरी हैप्पी कि जितना इन वीएन वो हैं और जितना चीज़ों को वो लीड कर रही हैं, जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमने तो कुछ दिनों में उनसे बहुत कुछ सीखा और सबसे अहम चीज़ जो सीखी है वो उनका पैशन और उनकी कमिटमेंट टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, और इस वक्त वो सोच रही हैं कि जो हमारा ये प्रोविंस है ये सिर्फ इस प्रोविंस को वो नहीं देख रही हैं, वो उनका जो इस वक्त सोच है वो पाकिस्तान को बेहतर करना है, तो उसमें पंजाब का क्योंकि चंक बड़ा है, हम इस वक्त लार्जेस्ट प्रोविंस हैं, तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो लीड कर रही होगी दूसरे प्रोविंस को, और वो डेफिनेटली जब पंजाब एक बड़ा भाई होने के नाते परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट होगी, और मरियम नवाज साहिबा की जो सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखी है वो ये है कि वो पेशेंसली सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं या हम लोग वहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं तो सबको उन्होंने बड़ा पेशेंसली और कॉन्शियसली सुना है। मैं जब भी उनके पास गया हूँ, जब भी किसी आइडिया पे बात की है या सजेशन पे बात की है या इन जनरल मैंने उनसे बातचीत की है तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मुझे फील हुआ है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और जिस तरीके से वो चीज़ों को ले कर चल रही हैं, वो मैंने राणा साहब के साथ बैठ के डिस्कस किया था कि इस वक्त हम वन टीम है और हमारा वन ड्रीम है कि हमने इंशाल्लाह वन टीम वन ड्रीम, यस स्लोगन बन गया ना, यस ठीक। एक कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा है, कहां से जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं मुबशरा बात कर रही हूँ पिंडी से, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, मुझे एक वजीफा चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शोहर दूसरी औरतों की तरफ भी मायल होते, शराब भी पीता और दूसरी भी बुराइयां भी हैं उसमें, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ,
तो मुझे बताइए वजीफा, क्योंकि ये बुराइयाँ अंदर से खत्म हो जाए, कोई कारी साहब से वजीफा मुझे। ठीक है जी मुबशरा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कारी अताउल मनान वारसी साहब, ये कोई वजीफा कि उनके जो खाविंद हैं वो कुछ ख़राब चीज़ों में मसरूफ रहते हैं? इस तरह की शिकायत आ रही हैं कि बाज़ औरतों के शोहर बाहर जाके शराब वगैरह पीते हैं, जुए खेलते हैं, बदकारी में मुब्तला हैं, तो औरतें परेशान हो जाती घर में, उसके लिए दुआएं भी हैं कुरान मजीद में और वज़ाइफ़ वगैरह भी हैं। सूरतुल मोमिनून 18वें पारे की सूरत है, आपने इसको पढ़ कर पानी पर दम करना है और पानी पर दम करके रखने घर में, जब भी आपका शोहर घर में आए तो उसको ज़ाहिर आप पानी पेश करती होंगी, शरबत वगैरह पेश करती होंगी, तो पानी उनको पिलाएं, इंशाल्लाह उसकी बरकत से उनकी ये ख्वाहिश नफसानी और बुरी आदतें छोड़ती चली जाएंगी। ये मुजरब अमल भी है। अगर ये महसूस हो कि वो पानी नहीं पी रहे या किसी वजह से, या ये महसूस या आपको ये हो कि वो कहीं दूर किसी जगह जॉब कर रहा है तो वहाँ पर इस तरह से बुराई में मुब्तला है, तो उसके लिए फिर एक और वजीफ़ा है सूरह यासीन का। सूरह यासीन को हमने पढ़ना है कब्रिस्तान में जाके। कब्रिस्तान में सूरतें पढ़ना वैसे भी अहादीस से साबित है, अलहाकुम तकासुर वगैरह, चारों कुल वगैरह, तो वहाँ पर जाकर पढ़ने से सवाब भी मिलता है। तो सूरह यासीन आपने वहाँ जाके पढ़नी है, लेकिन उसका तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। वो इस तरह से कि 7 जुमेरात आपने कब्रिस्तान जाना है, तो जब जाना है तो 7 ढेले मिट्टी के, पाक मिट्टी के लेकर जाने हैं, तो हर ढेले पर सूरह यासीन पढ़ के दम करनी है, किसी भी पुरानी टूटी हुई कब्र पे उसको फेंकना है और अल्लाह ताला से वहाँ दुआ करनी है कि या अल्लाह, जिस तरह से मुर्दा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से मेरे शोहर के अंदर से जो शराब, जुआ या जिना की जो बुराई है उसको भी मुर्दा कर दे। तो 7 जुमेरात ये अमल करते रहे, इंशाल्लाह 7 जुमेरात उसके अंदर से जो भी बुराई होगी वो सारी की सारी ख्वाहिश नफसानी, शराब की आदत, सब मुर्दा हो जाएगी और मर जाएगी, इंशाल्लाह वो सीधे राह पर आ जाएगा। और ये मुजरब अमल है, हमने कई लोगों के साथ ऐसा किया है तो उनकी इस तरह की ख्वाहिशात ख़त्म हो गई। टाइमिंग्स क्या अमल करें कब्रिस्तान किस वक्त जाने? हाँ, कब्रिस्तान जाने का दिन का टाइम कोई भी हो जिसमें आपको आसानी हो आप जा सकते हैं। बहुत मुजरब अमल करके देखें, इंशाल्लाह उनके अंदर से तमाम बुराइयाँ ख़त्म हो। एक मरतबा पढ़नी है सूरह यासीन? मैंने भी तफसील से बताया था कि 7 ढेले लें, हर ढेले पर एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ें और उसे कब्र पर फेंक दें और अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह कि उसके अंदर से ये शराब की बीमारी, जुए की बीमारी और बदकारी की बीमारी ये ऐसे ही मुर्दा कर दे, मुर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन औरत कब्रिस्तान जा सकती है? जी हाँ, इस तरह से कि नामहरम के साथ, महरम के साथ कहीं भी चले जाएं या ख़ुद ना भी जाए, शरी तौर पे अगर रुकावटें हैं इस मामले में भी मुफ्ती साहब इस सिलसिले में आपको बताएंगे, तो महरम के साथ अगर चले जाएं तो कुछ महरम को तो ठीक करना है, को तो बता के नहीं आएगी ना, भाई वगैरह के साथ जा सकते हैं, इस तरह की अगर कोई गुंजाइश मिलती है तो चले। मुफ्ती साहब क्या इस हवाले से, अगर ना जा सके तो किसी भाई वगैरह को भेज कर अमल करवा लें तो भी जाए। जी जी, देखें, ख़वातीन का कब्रिस्तान में जाना ये शरी तौर पर जायज़ है इस अमर की बिना पर कि वहाँ पर फ़िक्र आखरत नसीब हो, और मेरे ख़्याल से इस अमल के लिए उसका कब्रिस्तान जाना ये कोई उज़्र शरी नहीं है। हाँ, अगर फ़िक्र आखरत के लिए जाती है, ये जहन में रख ले कि मैं फ़िक्र आखरत के लिए जा रही हूँ और वहाँ पर अपने किसी भी अजीज़ की कब्र पर, तो शर्त यह है पर्दे की हालत में जाए, वावेला ना करे वहाँ पर, कोई भी गैर शरी हरकत ना करे और अपने महरम के साथ दिन के उजाले में जाए और दिन के उजाले में ही वापस आए। लेकिन याद रखें, जहाँ पर फितने का अंदेशा होगा वहाँ फिर खातून का घर से निकलना मना होगा। अब यहाँ पर ना कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने से मना फ़रमाया था। असल में इब्तदाई इस्लाम में बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि जिनसे मना किया गया था। अभी चूँकि नया नया इस्लाम आया था और लोगों को सही मानों में अभी आगाही नहीं थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मना कर दिया गया। फिर करीमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुंतु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, और उसके बाद फरमाया वज़ूरुहा के अल्फाज आते हैं, जिसका माना कि अब तुम ज़ियारत कर सकते हो। तो चूंकि ख़वातीन को ही मना किया था तो अब इजाज़त, क्योंकि मर्दों को तो पहले ही इजाज़त थी, तो ख़वातीन को ही मना किया था तो ख़वातीन को ही इजाज़त दी, लेकिन ये तमाम तकाज़ों को, शरी तकाज़ों को पूरा करते हुए। कारी साहब ने जो अमल बताया ये भी कर लें, और साथ ये भी अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो घर में बैठकर आप कोई भी खाने की चीज़ है तो उसके ऊपर 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो भी आप खिला सकती हैं, और साथ अल्लाह की बारगाह में सजदे की हालत में दुआ करें कि मौलाए करीम, मेरे खावन के अंदर जो भी कोई बुरी है, कोई बुराई है, कोई परेशानी है, कोई बुरी आदत है, मौलाए करीम तू ही इसको दूर फरमाने वाला है, तू ही खैर व शर का खालिक है, खालिक तो तू ही है,
लेकिन अदब की बिना पर हम जो शर है उसकी नस्बत अपनी तरफ करते हैं और खैर की नस्बत अल्लाह ताला की तरफ। तो दुआ करें सजदे की हालत में इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि आपके खावन या कोई भी जो रिश्तेदार है उससे जो बुराई है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो। जब हम बात करते हैं सियासत की और हम जब बात करते हैं सियासतदानों से, तो ये पता है कि सियासत को खिदमत समझा जाता है, या आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? सियासत तो खिदमत है, बिल्कुल खिदमत है। मैं तो ये समझता हूँ कि सियासियात में से अगर आप समाजियात निकाल दें तो बाकी सिफर बचेगा। अगर आप लोगों की फलाह का काम ही नहीं कर सकते, आप उनकी वेलफेयर का सोच ही नहीं सकते, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में आपको पॉलिटिशियन कहलाने का हक नहीं है। तो वो तो फिर आप किसी मफाद के तहत उस शोबे में आए हैं, तो ये तो एक आप समझ लें कि इसमें आपको फ्लॉलेस भी रहना पड़ता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, और आपकी कमिटमेंट टूवर्ड्स वो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिनको डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए आप इस शोबे में आते हैं। अगर कोई ये सोच के आए कि नहीं मैंने यहाँ से अपने सेल्फ डेवलपमेंट की बात करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट की बेसिस पे आगे जाना है, तो फिर वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट सिखाती है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट नहीं सिखाती। जो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं वो कम अरसे में ही अपना जो है ना डिबैकल देख लेते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखें पॉलिटिक्स वैसे तो मैंने ये हर जगह कहा है कि मेरे पास अगर मौका हो तो मैं कभी ना करूँ। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम है जिसमें, और ये बहुत मुश्किल काम है। बट जब फिर आप लग जाएँ तो मैंने भी इसीलिए इससे ऑप्ट किया कि मेरे पास और चॉइस नहीं थी, फिर करना है तो पूरी दिलजोई से करना है और आखिर तक करना है। बट पॉलिटिक्स वो वाहिद चीज़ है जिसमें हर 3-4 साल 5 साल बाद आप फिर आवाम के पास जाते हैं। डॉक्टर दोबारा डिग्री करने नहीं जाता, जज दोबारा एग्ज़ाम देने नहीं जाता, कारी साहब जो है इन्होंने एक बार जामिया नईमिया से होलिए दोबारा नहीं जाएंगे। हम वी आर अकाउंटेबल एवरी 3-5 years डिपेंडिंग ऑन इस मुल्क का सिस्टम कितनी देर चलता है, नंबर वन। नंबर टू, इज एब्सोल्युटली राइट चांडिया साहब, कि हकूकुल इबाद देखिए अब रमज़ान के टाइम में इस पर सबसे ज़्यादा लाइट डाली गई। और मेरा ये मानना है और मेरा ये ईमान है कि अगर आप खुदा की मखलूक से प्यार करें, अगर आप उसके मसले हल करें, तो आपको दुनिया और आखिरत में उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और इतना मिलेगा कि आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि एक ही चीज़ में आप मेरे से तजारत कर सकते हैं, वो मेरी मखलूक पे लगाएं और फिर देखिए मैं आपको कैसे रिवॉर्ड करता हूँ। तो सियासत ऐन इबादत है, अगर आपने इबादत के लिए करनी है, अगर आपने फाइनेंशियल गेंस के लिए करनी है, आपने पैसे कमाने हैं, आपने और चीज़ें करनी है, तो फिर ये याद रखें कि इस दुनिया में शायद आप मौजें कर लें बट खुदा देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली एक इंटेंशंस होती हैं, फिर एक अच्छा जैसे कहते हैं 5 years प्लान अहेड हो तो उसको आप इम्प्लीमेंट लेके जा सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ सोशल की, सोशल इश्यूज़ जब हम बात करते हैं, अब तालीम का शौक़ हो, बहुत से हैं ऐसी परसेंटेज यूथ की जिनको तालीम का शौक़ ही नहीं है और शायद उनमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो कुछ कर सकते, तो उनके बारे में आप इसको किस तरह से, उन्हें अब ज़रूरी नहीं है हर टाइप की जरिए, आप उन्हें स्किल्स की तरफ लगा दें, आप उन्हें डिजिटलाइज कोर्सेज की तरफ से लगा दें, डिजी स्किल्स सिखा दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें किस चीज़ का शौक है, उस तरह के इदारे होने चाहिए। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट देखें, हमारे पास जानशेर खान, जहांगीर खान जैसे स्टार्स थे, हमारी हॉकी टीम जो है वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स पर मुश्तमिल थी, बट जब से ये वॉर एंड टेरर के बाद से ये डिक्लाइन आया, हमारे स्कूल्स के ग्राउंड्स पर आन पड़े, हमारे पीटी टीचर्स बंद पड़े, उस पर हम प्लान प्रोग्राम ला रहे हैं। बट सवाल तो ये है कि ये पिछले 20 साल के अंदर जो एक अरसा आया उसमें हमारा ये सिस्टम बहुत हर्ट हुआ, और जिसका स्टूडेंट को शौक़ हो उसका उसे वो मौका ज़रूर देना चाहिए। बट गवर्नमेंट को चाहिए, जिस तरह पहले डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया इवॉल्व कर रही है, कोर्सेज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, हम अभी तक 1870 के बनाए हुए कवानीन जो अंग्रेज़ दे गए उनका अदालतों में तस्करा करते हैं, इतने रिफॉर्म नहीं किए, और फिर हर किसी की अपनी जॉब। सर हम लेजिस्लेटर्स जब पार्लियामेंट में आते हैं एज MP, हमें इस चीज़ पे जज ना करें कि हमने आपकी गली मोहल्ला बनाया या नहीं बनाया। हमारा काम है पॉलिसी ऐसी बनाना कि आपका गली मोहल्ला खुद ही बन जाए। तो इस पे हमें गेज करें कि क्या इसने इस सूबे की खिदमत के लिए पॉलिसीज के अंदर ना डिबेट्स के अंदर वो किरदार अदा किया जिसके लिए हमने से वहाँ पर भेजा था। इशू वहाँ पर ये हो जाता है कि हमारी आप ईंट जो ऊँची लगा दी या नीची लगा दी, बिगर कॉज को देखें। लेकिन जब आप ये देखें ना, जब हम बात करते हैं, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, एवरीथिंग हैज़ टर्न्ड इनटू अ डिजिटलाइज्ड एरा, लेकिन अब आप देखिए जब हम रेशो की बात करते हैं ना यूथ में, तो फीमेल कम्युनिटीज़ जो फीमेल बच्चियाँ हैं, फीमेल को चले ले जाए,
वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में आगे है। yes. लड़के पीछे क्यों है? आपको पता है कि 57% बोर्ड पोजीशंस ज्यादा फीमेल्स की बेहतर आती हैं हमारे प्राइमरी स्कूल्स में, और इवन हमारे जो पार्टनर स्कूल्स हैं और जो एनजीओज हैं, इन सब ने ये कहा है कि प्राइमरी स्कूल में अगर बच्ची पढ़ा रही है ना तो स्कूल की हालत भी अच्छी है, स्कूल का माहौल भी अच्छा है, स्कूल के हालात भी अच्छे हैं और स्कूल के बच्चे ज़्यादा बेहतर पढ़ रहे हैं, बिकॉज उससे शौक है, वो इंक्लाइंड है। अब मर्द थोड़े से हजरात लेज़ी हो गए, उन्होंने और बाकी एरेंट्स रन करने होते हैं, तो ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। और फिर बच्चियों को घरों में रखने वाला जो चांडिया साहब, आप जरा कमेंट करें इसके ऊपर। जो जी बेसिकली अभी जैसे आपने कहा कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस का मसला नहीं है, इंटरेस्ट और कमिटमेंट का मसला। उनके पास ना अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं कि वो बाहर जा के या कोई ऐसा एक्सप्रेस काम करें। लेकिन अब देखना ये कि जैसे सिकंदर साहब ने ये कहा कि जब हम स्किल आइडेंटिफिकेशन की तरफ चले जाएं, कि कोई बच्चा है वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहता और वो इंक्लाइंड है टूवर्ड्स सोशल मीडिया के हवाले से, वो कुछ लर्निंग अपनी करना चाहता है या उसको लगता है कि उसका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे लग जाता है। देखिए ना, एक बच्चा नौजवान वो 6 घंटे 8 घंटे वो मोबाइल पे गुजार सकता है, तो इसका मतलब है उसका एक स्टेमिना है। अब हम अगर उसी मोबाइल को उसका वर्क स्टेशन बना दें, वर्क स्टेशन ठीक है, वहाँ से वो लर्न भी करे और अर्न भी कर सकता है वो। ये इनेबल इन्वायरमेंट जो है ये देने की ज़रूरत है, जिसके लिए इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह जस्तजू के साथ उस पर लग चुकी है। आप देखें ना, इतने कम दिनों में कितनी मीटिंग्स हेल्ड हो गई हैं और कितनी पॉलिसीज़ पे काम हो रहा है, ये भी एक रिकॉर्ड है। अगर आप पिछली जितने भी गवर्नमेंट्स उठा लें तो आपको 20 से 25 दिनों में इतनी रैपिड किस्म की जो पॉलिसी मेकिंग है या जो स्किल और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं भाई, तो पैसे सबसे बड़ी बात, चांडिया साहब तो पहले पार्लियामेंट में रहे हैं, हम इनसे सीखते हैं, बट चीफ मिनिस्टर साहबा जितना टाइम असेंबली को दें। देखें, इस ऐवान में चीफ मिनिस्टर का आना सेरेमोनियल होता था कि आए, हाथ हिलाया, तकरीर की, चले गए। हमने चीफ मिनिस्टर को 9-9 घंटे एक स्ट्रेच में एक कुर्सी पे बैठे देखा है, हमें उन्हें एक्सेस देते देखा है, उस माइनॉरिटी के एमपीए को भी, उस मिनिस्टर को भी, उस आम एमपीए को भी, सीनियर एमपीए को भी, फीमेल एमपीए को भी, उसने एक्सेस इतनी फ्री थी। उसने आगे पूरी चांडिया साहब ने कहा, उनकी पूरी बात सुनी गई और फिर गलत सही बेहतर तजावीज़, उससे बेहतर तजावीज़ तो आती रहती है, बट ये एक्सेसिबिलिटी नंबर वन है, क्योंकि आपके कानों में अवाम की राय डलती रहती है, आपके कानों में पूरे अवाम की तजावीज़ डलती रहती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनका ये इकदाम फॉर मी ऑनेस्टली बीइंग अवेलेबल 24/7 और एक खातून के लिए, देखें उन मुश्किलों से आप उन 10-10 घंटे स्ट्रेच वहां बैठना, उन अराकीन असेंबली को जिनको शबाश शरीफ साहब से ये शिकवा होता था कि मियां साहब मिलते नहीं है, वो दूर हो जाएगा कि मरियम, खाली वो नहीं, आप सारे हाउसेस देखें अक्रॉस, आप सिंध देख लें, आप बलोचिस्तान देख लें, आप केपी देख लें, नेशनल असेंबली देख लें, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सेरेमोनियल आते हैं, कोई इतना टाइम नहीं देता कि वो जेन्युइन मसलों को समझे और मसलों की तरफ जाए, बस आए तकरीर की, हाथ लाए और गॉन। बजट के बजट आते हैं, साल में 2 दफ़ा आते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन असेंबली में अभी तक जितने सेशन हुए उनमें से 70-80% सेशंस में आ चुकी है। सर ये जो तालीमी फोकस्ड, और मैं कहता हूँ उनका फोकस इतना ज़्यादा है, और मैं खुद भी हैरान होता हूँ कभी कि उनका जो स्ट्रेच है, देखें इतनी देर बैठना और फिर फोकस्ड होना, बातें पूरी तरह जो है ना अटेंटिवली सुनना और फिर उसके सोल्यूशन पे भी बात करना, तो ये एक आम काम नहीं है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन अपोजिशन या जो वो सोच रहे थे या दूसरे लोग, के पास खुद चल के गए ना जी। लेकिन एक और असल में एक और एक कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से जी? वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं वहीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि रोजे क़यामत सबसे सख्त साहब किसका होगा? ठीक है भाई साहब, लाहौर से रोजे क़यामत सबसे सख्त साहब किसका होगा? बिल्कुल जी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मफहूम है कि जो जितना ज़्यादा जिसकी ज़िम्मेदारी है, जितने ज़्यादा उसके मातहत लोग हैं, उतना ही ज़्यादा उससे सख्त हिसाब होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रईयतिही, हुकमा काल कि तुम में से हर शख्स राई है
और हर शख्स अपनी रायत के बारे में जवाबदेह है, जिसके मातहत जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतना ज़्यादा सख्त हिसाब उससे होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा दुआ करनी चाहिए कि खालिक कायनात हमें बिला हिसाब जन्नत अता फरमा दे, क्योंकि जिससे हिसाब लिया जाएगा ना तो उसके बचने के इम्कान मुश्किल हैं, ये बात भी याद रखें। रही बात ये कि जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी आती है, अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि मुल्क का जो सरबराह है उससे सबसे सख्त हिसाब होगा। मैं ये हमारे चूँकि मिनिस्टर्स हजरात भी यहाँ बैठे हैं, सियासतदान भी बैठे हैं, तो इनकी मौजूदगी में ये पैगाम अल्लाह करे कि वाने बाला के तमाम जो अराकीन हैं उनके कानों में ये बात जाए और वो इस पर अमल भी करें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा मांग के ओहदा लेता है ना, मांग के ओहदा लेता है, ओहदे का ख्वाहिशमंद होता है, तो अल्लाह ताला उसको ओहदा अगर अता फरमा भी दे तो उसकी मुआवनत अल्लाह ताला नहीं फरमाता, उसको उसके नफ्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके बरक्स जो किसी ओहदे का अहल होता है और मुसलमान खुद उसके ऊपर ओहदा डालें और उसको ये समझते हुए कि वाकई ये इस ओहदे का हकदार है, उसको ओहदा मिले तो अल्लाह ताला उसकी मुआवनत भी फरमाता है और उसकी मदद भी फरमाता है और मुसलमानों को उसके कामों में भी लगा देता है। इसलिए किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ मिल जाए तुम्हारे कंधों पर डाल दी जाए या बिलफर्ज तुमने खुद वो उसको चूज़ कर लिया तो अब पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करना चाहिए ताकि बरोज़े कयामत अल्लाह की बारगाह में जवाब दें। काजी के बारे में भी सख्त हिसाब लिया जाएगा। एक काजी ऐसा भी कल बरोज़े कयामत एक कॉल ले लें आप गदा कलामे की मार जाते। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मैं कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं आप? रब्ता मुनकता हो गया। काजी, ये एक बादशाह जो है ना, एक काजी, उसको अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। हदीस में आता है अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा कि बता तूने फलाम बंदे को एक हद जो थी जो मैंने नाफिज की थी उससे एक कोड़ा ज्यादा क्यों लगाया? वो काजी कहेगा मौला करीम मुझे गुस्सा आ गया था। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा क्या तू मुझसे भी ज्यादा जब बारों का हार है, जब मैंने एक लिमिट मुकर्रर की थी तो उससे तजावज क्यों किया? तो उसको अजाब दिया जाएगा। फिर एक काजी से पूछा जाएगा कि जब अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने एक हद मुकर्रर की थी मिसाल के तौर पे 100 कोड़ों की, तो उन्हें 99 कोड़े क्यों लगाए? वो काजी कहेगा मौला करीम मुझे ना उस पर तरस आ गया था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तू मुझसे भी ज़्यादा रहीम व करीम बनता है? अला हाजल क्यास के जिस बंदे की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी खलूस से नियत के साथ उसको। जी वालेकुम सलाम जी, मैं अली अदनान फूलनगर से बात कर रहा हूँ, राणा सिकंदर आज साहब के जो एनए का हलका है उससे। जी जी जी, फरमाइए अली, इनके भाई से जीते। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र राणा साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक फर्स्ट अटेम्प्ट पे एमपीए और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर्स की। थैंक यू अली, ये सब आपकी दुआओं से ही मुमकिन हुआ है, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, थैंक यू सो मच राणा साहब। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कल 21 मार्च डाउन सिंड्रोम यानी कि स्पेशल बच्चों की आगाही के हवाले से आलमी दिन मनाया गया जी। तो हमारी मिनिस्ट्री के पास, पंजाब मिनिस्ट्री के पास उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या पॉलिसीज हैं या नई पॉलिसीज क्या उसमें ऐड होंगी? अली थैंक यू, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ हमारा आज प्रोग्राम लेके गए हैं। देखिए हमारे पास कुछ तो स्पेशल किट्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, बट जैसा कि आपने कहा कि ये बीमारियां और इन पे रिसर्च दुनिया में इस लेवल पे चली गई है कि शायद उस लेवल की हम सहूलियात नहीं दे रहे और हालात इस हद तक ख़राब हैं कि हमारे 50,000 स्कूलों में एक नॉर्मल रैंप जिस पे देखें एक बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, बट हमारे पास वो बेसिक रैंप नहीं है कि हम उन्हें वो एक्सेसिबिलिटी दे सकें क्लासरूम्स तक। हमारे पास वो रैम्प्स नहीं है कि हम उन्हें वॉशरूम्स तक एक्सेसिबिलिटी दे सकें और फिर रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो चीज़ें जो इनकी एक्चुअली हेल्प कर सके, तो वो जो स्पेशल बच्चों के इदारे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के इदारे हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें और सहूलियात जो इस इवॉल्विंग दुनिया के अंदर दी जा रही हैं। और फिर मेरी तो ये ख्वाहिश है और मैं ये सजेशन पुट फॉरवर्ड करूँगा, जब मैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल था कसूर में तब भी हमने ये किया कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ उनके स्पेसिफाइड कोर्सेज एट होम, उनकी थेरेपीज़,
उनकी मेंटल थेरेपीज़, उनकी फिज़िकल थेरेपीज़ और उनके लिए इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के देखें, अगर किसी घर के अंदर ये इंसिडेंट हो जाता है तो पूरा घर मुतासर होता है। सर वालदा उसके के लिए बैठी है, भाई उसे लेके जा रहा है, उदासी ये घर में एक चीज़ है, ये फैसला खुदा का होता है, बट हमें बाहर की दुनिया में उस बच्चे को स्टेट अडॉप्ट करती है, उसके लिए हर चीज़ मुहैया करती है, उसके फाइनेंसेस, खाना, एक्सेसिबिलिटी, कपड़े, जूते, पढ़ाई, तालीम, बीमारी, हर चीज़ का इलाज। तो कोई ऐसा सिस्टम हमें बनाना चाहिए कि शायद किसी नौजवान को दोबारा किसी मिनिस्टर से ये सवाल इस पब्लिक फोरम पे ना करना पड़े। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अली, आपने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। इसी में मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा, आज से तकरीबन कोई एक हफ्ता पहले की बात है। जी जी चांडिया साहब, मैं मुझे एक कॉल आई मेरे हलके से ना, एक वहाँ पे हैं हमारे इलाके के हमारे स्पोर्टर्स, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं इस वक्त वहाँ पर हमारा एक इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं अपनी बच्ची के साथ मौजूद हूँ और वो शदीद बीमार है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर वहाँ पे आएँ। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो तकरीबन 13-14 ईयर्स की बच्ची है, ज़ाहिरन उसकी पोजीशन ठीक थी मतलब, लेकिन ना उसको ए प्लास्टिक एनीमिया था, और वो उसको आप ये देख लें कि कोई 40 के करीब उसको जो ब्लड बैग्स हैं वो लग चुके थे, और प्लेटलेट्स अलहदा और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अलहदा, और वो मतलब अपना सब कुछ खर्च कर चुके थे, वो पता नहीं कितने कितने हॉस्पिटल से वो हो के। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कुछ कह सकते हैं, इसका इलाज जो है वो CMH रावलपिंडी में है, इसका बोन मैरो का कुछ होगा। तो फिर मैंने वहाँ पे जो है ना मैडम साहिबा को एक वीडियो वहाँ से भेजी कि ये चाह रहे हैं कि हमारा इलाज हो, हम बड़े परेशान हैं और अपना सब कुछ खर्च कर चुके हैं और इनका इलाज भी इन दो हॉस्पिटल्स के अलावा कहीं पे नहीं है। तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया और फिर रابطہ उसी वक्त हो गया। फिर ये देखें कि मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो वो जी जी फिर वो अभी उसका मेडिकल बोर्ड भी बन गया है और वो उसका जो सही डायग्नोस करके उसको बाकायदा तौर पर उसको जहाँ पे भी उसका इलाज मुमकिन होगा इंशाल्लाह। हजारों बच्ची हैं वो तो चांडिया साहब तक पहुँच गई, ये सरकार का काम है। हाँ, बिल्कुल। इस तरह के नेक आदमी हर हलके में नहीं है, जिम्मेदारी है सरकार का काम है। सिकंदर साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त लिया, ख्याल लोगों तक पहुँचेंगे, याद रखेंगे की सिकंदर साहब ने, हम आपसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा की आप मेरे लिए दुआ करें, मैं सियासत में जो है वो मेरा सियासत ओढ़ना बिछोना खाना पीना नहीं है, मैं अपने बड़े अच्छे काम करता हूँ, अल्लाह मुझे बड़ा जायज़ रिस्क देता है, तो मैं 100% ऑनेस्ट और कमिटेड आदमी हूँ। साथ ही साथ मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से इन सब पाकिस्तानियों को और पंजाब के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम इनके साथ मिलके ये मसले हल, इनके साथ मिलकर, एजुकेशन मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। साहब आपने भी इनके साथ मिलकर ये हासिल करेंगे। और यहाँ पर साहब हम चल रहे हैं आगे, एक वक्फा ले रहे हैं नमाज का, हम नमाज पढ़ेंगे और आप मीरब से मिलिए, उससे आज कुछ मजे की डिशेस डिसाइड की, उसकी रेसिपीज आपके साथ शेयर करेगी ऑनलाइन। तो चलिए आइए चलते समा किचन पे। जी जी प्लीज मिनिस्टर साहब, राणा सिकंदर आया साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए हमारे प्रोविंस के लिए जो है ना इस वक्त ब्लेसिंग है, और जितने एंथुसियास्टिक ये हैं और मतलब हर वक्त ये इसी सोच में है कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, ये तवक्कुआत हैं जी, अल्लाह ताला इनको पूरी करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमाए। जी वक्फा ले रहे हैं जी, आप किचन देखें मीरब का, और हम फिर आपसे थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं, हो सकता है कि यकीनन कोशिश करेंगे कि बाद अज़ नमाज जो नमाज असर है साहिल साहब भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान, और समा का दस्तरखान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन जैसे जैसे रमजान आगे बढ़े हैं, मैं रोज ये बात बोलती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे जैसे रोजे आगे जा रहे हैं हम आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करते जा रहे हैं। मौका फेस 6 का स्पेशल थैंक यू कि वो रोज मुझे बुलाते हैं, मैं उनको तंग करती हूँ और वो अपनी खास खास रेसिपीज हमारे साथ शेयर करते हैं। तो नाजरीन आज आपके साथ एक और बहुत सी अच्छी सी डिश आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम, यानी कि रशियन सैलड, जो अक्सर आप बाहर से मंगवाते हैं और रमजान में आप फ्रूट चाट दही पकौड़ियों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज रशियन सैलड भी टेबल पर सजाया जाए। तो आज हम उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा एक और मोस्ट जो कि चीज पसंद की जाती है रेस्टोरेंट्स में, वो होती है मिंच मार्गरेटा। तो देखते हैं कि वो कैसे बनता है, रेस्टोरेंट का क्या स्टाइल है। तो मेरे साथ ही रहिएगा, मैं बढ़ी हूँ मौका के किचन की तरफ। मौका
जी नाज़रीन, तो रशियन सैलेड की तरफ हम बढ़ने लगे हैं और सबसे पहले हमने एप्पल्स को पील ऑफ किया, बनानास को पील ऑफ किया और जो हमारा एक रवायती तरीका है, हमारा नहीं यानी मौका का रवायती तरीका है एप्पल्स कट करने का, वो ये है कि आपने इसकी फोर साइड्स कट की और उसके बाद आपने इसको क्यूब शेप में कट करने के लिए कुछ इस तरह से इसके स्लाइसिस किए और ये आपने इसको क्यूब शेप में कट कर लिया और इसको हम ऐड कर देंगे अपने बॉल में। इस तरह से हम लोग सारे एप्पल्स कट कर लेंगे ताकि इक्वल शेप आए, ये इसकी कटिंग इस तरह से हो जाएगी और ये जल्दी भी कट हो जाता है। उसके बाद हमारे सामने बनानास मौजूद हैं, शेफ साहब मेरी हेल्प करें, एप्पल्स कट करने में टाइम शॉर्ट है तो बनानास को हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको और बारीक कर लेते हैं क्योंकि बनाना ज़रा बारीक ही अच्छे लगते हैं, यानी कि आज हम लोग इसको थोड़ा सा क्यूब में कट करेंगे, थोड़ा थिक रखेंगे। ठीक है नाज़रीन, शेफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम लोग बनाना इसको थोड़ा सा थिक रखने वाले हैं तो हम उसी अंदाज में कटिंग करते हैं जिस अंदाज में। शेफ साहब ये ठीक है इतना या इसको हाफ कर दो? जी बस ठीक है। ठीक है इतना थिक रहने दो या हाफ कर दो? नहीं ठीक है। ठीक है चले, ये हमारे इस तरह से बनानास भी कट हो गए। क्या आप एक एक बनाना पील ऑफ करेंगे फिर उसको कट करेंगे? सिंपल तरीके से बनानास को कट करें और एंजॉय करें। नाज़रीन अब आप यहाँ से देखें, मेरी स्पीड चेक कर लें कटिंग की और शेफ साहब की देख लें, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मौका। मैं रोज़ ये बात करती हूँ कि मौका इज़ द वन जो मुझे इतना ट्रेन कर दिया उन्होंने, जस्ट लाइक इन अ वीक, एक वीक के अंदर मेरी कटिंग इतनी अच्छी हो गई है, कहाँ एक सेब काटते हुए इतना टाइम लगता था और आज माशाल्लाह पूरी रशियन सैलेड की अच्छी खासे एक क्वांटिटी में लोग जिनकी तारीफ हम बनाने जा रहे हैं उनकी कटिंग जो है वो आपके सामने मैं कर रही हूँ और ये सब मौका की करम नवाजियाँ हैं। जी नाज़रीन, तो हम लोग डेली बेसिस पे जो फ्रूट चाट बनाते हैं या क्रीम सैलड बनाते हैं वो तो इसी तरीके से बनता है कि उसमें सारा फ्रूट ऐड होता है, लेकिन आज हम रशियन सैलड में क्या डिफरेंट चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें बॉयल्ड कैरेट्स हैं जो इस तरह से कट हुई हैं क्यूब कटिंग में, इनको आपने पील ऑफ करके, मतलब इसको क्या बोलते हैं लोग इसको वो करते हैं, क्या करते हैं, पील करते हैं, ठीक है पील ऑफ कर दिया आपने कैरेट्स को और उसके बाद आपने उनकी कटिंग इस तरह से कर दी। कटिंग करने के बाद आप उसको बॉईल करके स्ट्रेन कर लें। इसको हम लोग ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारे पास अनार है रेड वाला जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल, आप अनार यूज़ करें। अनार इसमें हमने ऐड कर दिया, रशियन सैलड में अनार बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे मज़े की चीज़ है वो है ये पास्ता यानी मैक्रोनी, आप मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी किस्म का दूसरा पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये एक तरह से इस शेप में मैक्रोनी है जिसको हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं और ये मैक्रोनी इसमें ऐड हो गई। हम लोग ग्रेजुअली साथ साथ फ्रूट ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा सा मैक्रोनी को हाथ से आप हिला सकते हैं और मैक्रोनी जब आप बॉयल करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया करें, सॉल्ट तो आप नॉर्मली ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करने से ये होता है कि ये चिपकती नहीं है क्योंकि जब मैक्रोनी बॉयल होती है तो वो चिपक जाती है। अब साथ साथ हमारा फ्रूट कट हो रहा है, हम फ्रूट साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं, मैंने ग्लव्स इसीलिए पहने हैं ताकि मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूं और कहते हैं कि हाथ के इस्तेमाल से जायका बदल जाता है तो आपका हाथ होना चाहिए यूज़ हर चीज़ में, बढ़ जाता है स्पून से नहीं होती क्योंकि हाथ हाथ का फ़र्क होता है। शेफ साहब ऐसे ही है ना, तो ये हमने इसमें साथ साथ ग्रेजुअली फ्रूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अच्छी खासी क्वान्टिटी में ये बन रही है और आप देखें कि अगर आप इसमें ज़्यादा चीज़ों डिफरेंट चीज़ों का यूज़ आप करते हैं अगर तो उससे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। जी नाज़रीन, तो ये हमारी सारी कटिंग तैयार है, अब हमने वो करना है जिसके बाद ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा, यानी कि अब हम लोग इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं, क्रीम है और क्रीम के साथ हम लोग आइसिंग शुगर इसमें ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर हम लोग नॉर्मली जो क्रीम सैलड बनाते हैं यानी फ्रूट सैलड जो हम बनाते हैं जिसको क्रीम चाट भी बोलते हैं, हम उसमें भी ऐड करते रहे हैं तो आज हम इसमें भी इसी तरह से इसको ऐड कर देंगे। अच्छे स्पून का इस्तेमाल करें ताकि जल्दी काम हो जाए और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आप लोग रशियन सैलड अगर बनाते हैं तो आप उसमें और क्या यूज़ करते हैं ताकि फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग आपकी बताई हुई रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। मौका ने हमें इजाज़त दी है कि हम लोग डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। अभी इसमें क्रीम ऐड हो गई है, अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से मिक्स करेंगे, इसकी अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगी और इसके अंदर हम लोग ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। ये मेरे पास साल्ट है,
सॉल्ट भी ऐड करने वाले हैं हम इसमें। सबसे पहले ये सॉल्ट है, शेफ साहब कितना ऐड होगा? हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, एक टीस्पून काफ़ी है। थोड़ा सा और? जी थोड़ा सा। मैं डर डर की वैसे चीज डालती हूँ, मुझे ना डर लगता है कि ज्यादा ही ना हो जाए, थोड़ी हो जाए ना वो ज्यादा, ज्यादा हो जाए कम नहीं होती है। ब्लैक पेपर क्रश नहीं है, ब्लैक पेपर को क्रश किया यानी कि उसको आपने ग्राइंड कर लिया, ग्राउंड भी बोलते हैं इसको, ग्राइंड भी बोलते हैं, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। इसको ग्राइंड करने का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अगर और ऐड करना हुआ तो फिर शेफ साहब आप ऐड कर दीजिए, मैं डरती हूँ ज्यादा ऐड करने से। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और आज मौका के कुछ खास लोगों का भी हाथ लगा है इस फ्रूट सैलड में, तो यकीनन इसका टेस्ट आज बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं हाथ हाथ में फर्क होता है। तो ये जिस तरह से हम सब ने मिलके इसकी कटिंग की है और उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, तो यकीनन यकीनन ये बहुत अच्छी होगी। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कल कि इसका टेस्ट कैसा था, और आप लोग भी इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसका टेस्ट कैसा था। यकीनन घर पे सबको बहुत अच्छा लगेगा, इतना कलरफुल सा ये रशियन सैलड है। आप बाहर से मंगवाते हैं और पता नहीं वो साफ़ होता है या नहीं होता, ये मौका है जो इतनी एक साफ़ सफाई के साथ आपको अच्छे बर्तनों में अच्छी चीज़ कुक करना सिखा रहा है, वरना बाहर के हालात बहुत बुरे हैं भाई, रमज़ान है, रिस्क नहीं लेने का। हमारी मिक्सिंग हो गई है, हमारा क्रीम सैलड रेडी है। जी रेडी है, रशियन सैलेड हमारा रेडी है। अब हम बढ़ते हैं मिंट मार्केटा की तरफ, क्योंकि जितना ये ज़रूरी है उतना ही वो भी ज़रूरी है, मिंट पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं देखने के रेस्टोरेंट्स में एक्चुअली मिंट मार्केटा बनता कैसे है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाजरीन, तो हम लोग मिंट मार्केटा का तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मेरे पास जग में आइस मौजूद है, आइस के बाद ये हम लोग मौका के अच्छे से ग्लास में इसका सोडा डालने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं ड्रिंक्स के स्पेशल शेफ, शेफ अहद। आहद जो हैं वो भावल नगर से हैं और इनकी बहुत ही प्यारी ज़ुबान है, बहुत ही मीठा बोलते हैं, तो ये अपनी ज़ुबान में ये बोलेंगे और मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिकली वर्क करूँगी उसके ऊपर। तो आहद साहब प्लीज़ आप गल कर दे जाओ, दस ओहन की करना है। पहले नमक पड़ा, थोड़ा सा नमक पा लिया, ठीक हो गया। उसके बाद लेमन जूस, लेमन जूस भी चला गया बिच, ठीक है। उसके बाद एक टेबल स्पून चीनी, एक टेबल स्पून चीनी, चीनी खंड भी कई दर बेहतरीन। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ, ਪੁਦੀਨਾ ਪਾ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਤਾਈਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਸ਼ੈਫ ਆਹਦ ਕੇ ਸਾਥ। ਉਸ ਦਿਨ ਟੱਕਣ, ਟੱਕਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। लो जी, ये हमारा मिंच मार्गरेटा ग्राइंड हो रहा है और अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद हम आपको इसकी सर्विंग भी दिखाते हैं। उते खीरा जे नहीं कट के ला दो, ठीक हो, लेमन कट के ला दो, लेमन भी ला सकते, लेमन का स्लाइस असी लाना ही नहीं है, बट ठीक हो गए, जबरदस्त ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको ग्लास में ऐड करने वाले हैं, तो आहद साहब इन ग्लास डालन लगे ने, क्या बात है, ठीक है। और कुछ भी इसमें और ऐड नहीं होगा? नहीं बस, हो गया तैयार है। चलो एक बारी जरा नाज़रीन कह दो, नाज़रीन इस्तेमाल करो, इहदा बहुत फायदा है, फायदे दसो जरा नाज़रीन, इस्तेमाल करो, इहदा बहुत फायदा है, गर्मी वास्ते बहुत अच्छा होगा। चलो जी, गर्मी वास्ते बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको सारे दिन बाद जब डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी जो महसूस होती है, प्यास लग गई ना, बंदा पानी भी नहीं पी सकता रोजे के, तो फिर उसके बाद आप मिंट मार्गरेटा जब यूज़ करेंगे इफ्तारी में, आपके अंदर मिनरल्स, आपके अंदर आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। खासतौर पर आपके लिए मिंट बहुत ज़रूरी है, ठंडा है, अच्छा है, सर्व करें। और इसी के साथ हमारी आज का रशियन सैलड और हमारा मिंट मार्गरेटा जो है वो रेडी है। हम लोग इसके बाद अब आपको रशियन सैलड जो है उसकी सर्विंग दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद हम बड़ी ज़बरदस्ती गार्निशिंग करने वाले हैं। दो मिनट और दीजिए, मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, तो अब हम लोग रशियन सैलड जो है इसकी सर्विंग आपको दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किशमिश ऐड की है, क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत मज़े की लगती है। और ये मैं बॉक्सेस में ऐड कर रही हूँ, ये बॉक्सेस हमारे कुछ ही देर बाद समा में चले जाएंगे। आहद साहब थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर दो, जरा दसो एक ही पान लगे हो, बादाम ते अखरोट, बादाम ते अखरोट, बहुत ज़्यादा नहीं पाने, गर्म होंगे, गर्मी आ गई ने, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी जो है वो सर्विंग होगी। ये हम लोग इसके अंदर आलमंड्स और वॉलनट हमने ऐड कर दिया है, इस तरह से आप इसको सर्व करेंगे। जब आप इसको किसी बॉल में डाल के देते हैं या आप
फैमिली बॉल में इसको जब सर्व करते हैं तो आप उसके ऊपर इस तरह से ड्राई फ्रूट की यानी बादाम और अखरोट की और किशमिश की गार्निशिंग करके इसे इस तरह से आप सर्व कर लेंगे। मैं ये सारे बॉक्सेस बिल्कुल पैक करने वाली हूँ, लेकिन आपको जाते जाते मैं फिर से ये कहूँगी कि रमज़ान मुबारक, तमाम रेसिपीज ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए। आहद, मैं, तारिक साहब, हम सब आपका वेट करते हैं और आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। तो अपने कमेंट्स के साथ में बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने रेसिपी ट्राई की या नहीं। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू रमज़ान का समाफ तारीख की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको फिर से खुश आमदीद। और बात हम कर रहे हैं रमज़ान का समा में, आपने सुना कि एक बड़ी तफसीली गुफ्तगु हुई है पंजाब में, बिलखसूस जो तालीमी निज़ाम है उसमें किन 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 मसाइल का वहाँ पर सामना है जो तलबा को, तालिबात को, और कैसे हम उसमें बेहतरी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा जनाब चांडिया साहब, ये तो लगता है कि खेलें ख़त्म ही हो गई हैं दुनिया, हत्ता के आप जामियात की सतह पर भी जाते हैं दुनिया में, वहाँ पर इंतहाई अहमियत दी जाती है। और एक पिछले जो ओलंपिक्स गुजरे हैं जिसमें ओलंपिक्स में जो यूएसए के सारे मेडलिस्ट थे वो 80% उनके जामियात के स्टूडेंट्स थे। जी देखें, ये तो आप, हम तो बच्चे थे तो ये पढ़ते आए हैं कि एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी जरबल मिसल नहीं है, इसके प्रैक्टिकलिटी आप देखें कि वो नेशंस जिन्होंने स्पोर्ट्स में तरक्की की है वही प्रोग्रेसिव नेशन कहलाएंगे। प्रोग्रेसिव नेशन, ठीक है। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया देख लें, उन्होंने स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स साइंसेस को एक नई हाइप और नई बुलंदी पे पहुंचाया, आज वो डेवलपमेंट में कहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा की जो बात अभी आप कर रहे थे वो इतनी अहमियत की हामिल है कि जब तक हम रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ये जो नेशन है एक प्रोग्रेसिव नेशन है, क्योंकि सोचने का अंदाज ही बदल जाता है जब आप स्पोर्ट्समैन होते हैं। आपकी बर्दाश्त के लेवल्स ही बढ़ जाते हैं जब आप स्पोर्ट्समैन होते हैं। आपकी लोगों को गाइड करने के, उनके साथ बैठने के, उसने सलूक के तरीकाकार ही बदल जाते हैं, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स खास तौर पे आपको टुगेदरनेस सिखाती है, इकट्ठे बैठना सिखाती है, एक दूसरे के इश्यूज शेयर करना सिखाती है, तामल सिखाती है। जी तामल सबसे, वो तो हार के बाद आपने कैसे आगे बढ़ना है। आई एम द एग्जांपल, मैंने कई हार देखी हैं लेकिन डिटर्मिनेशन लूज नहीं की। मुझे पता था कि मेरा बारी आनी है, लेकिन उसके लिए मेरी कमिटमेंट, मेरी मेहनत जो सबसे अहम एलिमेंट होगा, और स्पोर्ट्स मैन के पास जो सबसे अहम चीज़ वो पोजेस कर रहा होता है ना, वो होप होती है, वो कभी नामुईद या मायूस हिम्मत नहीं हारता है। यस, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान, वैसे तो मतलब एक अच्छा इंसान तो रोल मॉडल तो हमारे सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना शख्सियत वही है, और उन्हीं की शख्सियत को ही फॉलो करना है। उन्होंने भी सुस्ती और काहली को जो है ना वो बुरा जाना है, और उन्होंने कहा है कि जो सुस्त और काहल लोग हैं वो किसी तरह भी माशरे की तरक्की में रोल प्ले नहीं कर सकते। उसी मॉडल को लेके चलना है कि जब तक प्रोग्रेसिव एक्टिव लोग आप, और उसका आसान हल यही है कि आप स्कूल स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा चंक रख रही है नौजवानों का, बच्चों का। तो ये स्कूल स्पोर्ट्स ही थी जिसने पाकिस्तान को कई गेम्स में चैम्पियन बनवाया, हालांकि हमारे पास उतने फंड्स वसाइल भी नहीं थे। तो एक स्पोर्ट्स नेशन हमें गर्दाना जाना चाहिए। कोटा बढ़ेगा। मैंने अभी दानिश अथॉरिटी में राणा सिकंदर हयात साहब के साथ हम गए थे, वहाँ पे भी हमने बात की कि जो प्रेस्टिजियस स्कूल हैं जहाँ पे लोग दाखला लेना चाहते हैं वहाँ पे भी 5% कोटा हो, ये 1-2% से कुछ नहीं होगा, और ये हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। और इसके लिए मुकम्मल जिदोजहद इंशाल्लाह मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं भी ज़रूर करूँगा, और CM साहिबा तक भी ये पूरी तरह हम ये बात पहुँचाएँगे, और वो बाकायदा तौर पर कमिटेड है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि स्कूल स्पोर्ट्स और जनरल पब्लिक को स्पोर्ट्स की तरफ इंशाल्लाह लाएंगे, और स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, ग्राउंड्स रिहैबिलिटेट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे स्पोर्ट्स एरिनाज भी बनेंगे, और उन इलाकों में बनेंगे जिनको आप डिप्राइव्ड इलाके कहते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह जो महरूम रहे हैं वहाँ पर भी खेलों की सरगर्मियाँ शुरू होंगी। मुफ्ती साहब, रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ सवालात आप आते रहते हैं। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, रोज़ा हमें रोकता है। अच्छा जी, साहिल साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम जी साहिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल जरा कुछ ही देर में मुझे लगता है। साहिल साहब आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सही जा रहा है।
वो हम वैसे तो रमज़ान में हैं, वक्त बहुत कम है, वो आपको काफ़ी दिनों से लोग बहुत याद कर रहे हैं, तो जब आप आए हैं तो मेरे जहन में फौरी तौर पे एक चीज़ आ गई है, मैंने कहा बात करेंगे, उसके बाद तो पता नहीं वक्त मिलना ही या नहीं मिलना। कटी गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे दिन भी गुजर गए, मेरे दिन भी गुजर गए। तो साहिल साहब, दिन गुजरते चले जा रहे हैं रमज़ान के, और हर गुजरता हुआ लम्हा ये बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कारी साहब भी मौजूद हैं, चांडिया साहब मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और इस पर भी आगे बात करते हैं। बुशरा बहुत मिस किए साहिल साहब, आपके व्यूअर्स ने आपको बाकायदगी से पूछ रहे थे बार बार कि जी साहिल साहब की तरह कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, इतने कोई सवाल क्लटर हुए इकट्ठे और इतने सवालों की लिस्ट है जो आपसे पूछ रहे हैं। सवाल करें ना, सवाल कर लें। एक सवाल नहीं, मैं तो कह रही पहले आप अपने नहीं सवाल कर लें। अच्छा जी, कल हमारी एक बात हो रही थी साहिल साहब, शादी के हवाले से बात हो रही थी, और फिर बात हो रही थी कि जब पढ़ाई कर रहे हैं आप, शादी के हवाले से जी हमारा टॉपिक था सोशल इश्यूज को लेकर, तो अब बात ये हो रही थी कि देखिए जब कुछ बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ तालीम को कंटिन्यू करते करते अपनी वो एक होती है सोशल नॉर्म्स है कि उनको लगता है कि भाई वो इस एज से निकल गए हैं कि अब अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता या फ्लाइंग एट्सेट्रा, तो यहाँ पे मुफ्ती साहब ने एक बात की थी कि उनके पास कोई खातून आई थी जो मेरे ख्याल से 30 या 32 साल की थी, तो उनकी उम्र गुजर चुकी थी और वो PhD कर गई थी। तो मुझे आपसे ये पूछना था साहिल साहब कि अब PhD कर रहा हो कोई या MS कर रहा हो या MPhil कर रहा हो और 30 या 29 या 32 के एज ब्रैकेट में वो फॉल कर जाए, लड़की स्पेशली, तो क्या उसकी उम्र गुजर गई है, क्या शादी की कोई शरई उम्र है, क्या उम्र नहीं, बढ़ती हुई उम्र की तरह से आपकी बढ़ती हुई उम्र क्या? हाँ जी, और ये 20 से 25 साल की जो लड़की का कोई ब्रैकेट है और ये जो 30 से 32 साल की ब्रैकेट है, इसमें क्या डिफरेंस है? 95 साल की औरत भी शादी कर सकती है, उम्र शादी के लिए नहीं, तो ये उम्र गुजर गई वाला क्या हिसाब है, क्या है ये? नहीं नहीं, उनका मतलब ये है कि एक बायोलॉजिकल पीक होती है, उम्र शादी के लिए नहीं होती, उम्र के बाद वी हैव अ सर्टेन बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके बाद टेंडेंसी टू हैव चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने की एक खास ऑप्टिमम एज है, बस उसका उसके लिए मुहावरा यूज किया जाता है उम्र गुजर गई, वरना शादी तो 95 साल की औरत भी कर सकती। लेकिन बच्चे तो मेरे ख्याल से लेट 30s या अर्ली 40s या आपको फरमाइए। मेरा साहिल साहब से सवाल था कि हमारे मतलब हमें हमेशा इन हदीसों से और कुरान से एक चीज़ मतलब वाज़े मालूम होती है कि खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत की जाए, और हुज़ूर के एक हदीस भी है कि ऐसे लोग बाद में आएंगे कि वो मेरे अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे लेकिन वो मुझसे मुझे देखने के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि ये मोहब्बत का जो एलिमेंट है ये खुदा और उसके रसूल के लिए कैसे पैदा करें? ठीक है जी साहिल साहब, पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर वालदा और हर वालिद को कि दिल में होता है, जहन में होता है, जबान पे होता है। मेरा जितना भी पूरी दुनिया में जिधर जिधर भी जा रहा हूँ, तीसरे चौथे सवाल के बाद ये सवाल आ जाता है। तो मैं अपने एक उस्ताद से पूछ रहा था कि सर ये लोग मुझसे सवाल करते हैं तो इसका बेहतरीन जवाब क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कितने लोग सवाल करते हैं, तो मैंने कहा कि सर हर तीसरा चौथा बंदा पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका। तो उन्होंने कहा वाकई सही कह रहे हो, हर तीसरा चौथा बंदा तुमसे सवाल कर रहा है। तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो कहते फिर यही जवाब है। अब और समझे उनका मतलब क्या है। उनका मतलब ये था कि अगर साहिल अदीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस तरीके से पहचाना जा रहा है कि लोग उससे पूछें कि बता मोहम्मद से मोहब्बत कैसे की जाए, समझ रहे हैं? वो ऐसे समझें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका से निस्बत कैसे क्रिएट करनी है कि हर वक्त उनका जिक्र हो, हर वक्त सीरा पढ़ाई जाए, हर वक्त सीरा पढ़ी जाए, हर रेफरेंस मेरे नबी का हो, हर
ताल्लुक से हर करीना हर स्टेंसिल हर पैमाना बोलता हो कि ये बंदा नापेगा तो मोहम्मद के करीने पे नापेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदा कहेगा सही तो पीछे से इसने सीरा के थ्रू कोई नबी अलैहिस्सलाम का रेफरेंस रखा होगा, ये कहेगा गलत तो इसको वैलिडेट करने के लिए कोई हदीस या सीरा या सुन्ना आ जाएगी। तो जब आप इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की हर चीज को प्रोपगेट करेंगे, प्रोपगेट का मतलब होता है आगे फैलाएंगे और फैलाएंगे फैलाएंगे दर फैलाएंगे, तब कहीं जाके लोग आपसे कहते हैं कि बताना मोहम्मद से मोहम्मद कैसे करते हैं। तो मैं तो आपको फिर बता दूं, मुझे बड़ा बेसिक सा एक फार्मूला आता है कि जिसको जानते नहीं हो तो उसको उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो, ये तो बेसिक रूल ऑफ थंब है। ये तो गोरे को भी पता, काले को भी, गैर मुस्लिम को भी और मुसलमान को भी, कि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक उससे कैसे प्यार करेंगे। तो आपको नबी इस्लाम को जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या तरीका है, किताबें खोलें सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बड़ी सीरा की किताब जो है ना, सबसे बड़ी सीरा की किताब कौन सी है, कुरान करीम। कुरान खुद में नबी सल्लम की सीरा की किताब है, एक एक आयत बताती है कि मेरा नबी उस वक्त कहाँ पे था, क्या शान नजूल थी इस आयत की। तो जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कायनात, ये दुनिया, ये लाइफ तो ये सारी की सारी मोहम्मद सल्लम के लिए। ये तो जिस एंगल से देखते हैं तो पता चलता है कि अगर मोहम्मद नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ना सही एक्सप्लेन हो सकता है कि सही क्यों है, ना गलत एक्सप्लेन हो सकता है कि गलत क्यों है। सो मैं उस सतह पे लेके आना चाह रहा हूँ यूथ को कि जो सिर्फ नाते ना पढ़ा करें, नाते बन जाया करें। नाते पढ़ना सिर्फ नमूद है, नात हो जाना है कि हर मुसलमान चलता फिरता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख हो। हर बंदा, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, मेरे साथ मेरे ऑस्ट्रेलिया में मैं सेशन कर रहा था तो जिन मेरे मेजबानों ने, शाहरुख साहब नाम है उनका और उनकी बेगम का नाम है सायमा, इन दोनों मियां बीबी ने मुझे एक होटल में ठहराया हुआ था फॉर द टेन्योर। तो होटल में ना एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह, वो दरवाजा खोलने के लिए, हम तो सबको पता है। तो वो हर दो तीसरे चौथे घंटे बाद बंदा इधर उधर रख देता है तो गुम हो जाता है, तो रिसेप्शन पे जाके हम दूसरा कार्ड बना लेते हैं। तो बहरहाल वो जब मेरा जाने का वक्त हुआ तो मेरे जेब में ना वो कार्ड रह गया था होटल में, फिर रूम का। तो मैंने अपने मेजबान से कहा कि शाहरुख साहब ये कार्ड रह गया है मेरे पास, तो इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं होती। कहते नहीं हुआ है, मैंने ये वापस करना है। मैंने कहा खैर है सर, ये कार्ड तो एक सेकंड में बन जाता होता है, इसकी कोई वो थोड़ी सी क्रेडिट कार्ड थोड़ी है, ये तो 500-600 कार्ड पर डे री इशू होते हैं क्योंकि लोग घुमा देते हैं। कहता लोग घुमाते होंगे ना, असल मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है, वो मोहम्मद शाहरुख जानते हैं मुझे, वो तो गैर मुस्लिम है, वो समझेंगे कि ये चीज हमारे लिए, हमारी कोई चीज ले गया तो उसने इसके ऊपर तरफे नजर कर दिया। मैं उनको ये मौका नहीं देना चाह रहा कि एक मोहम्मद नाम का बंदा इतनी सी भी चीज की दो नंबरी करे। सो ये मैं वाक्य आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये भी रिसेंटली हुआ है कि मोहम्मद असल में हमारी हमारी जो पास है, पास हमारी, हमारा भरम है कि गौर समझे, हम जब कैजुअली बोलते हैं ना अपने नबी का नाम कैजुअली भी, तब भी हम उस पूरे इस्लाम के ब्रांड को रिस्क में डाल सकते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं कर देना जिसका नाम मोहम्मद शाहरुख हो, उसको पता होना चाहिए कि वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी उम्मत को, किसके थ्रू, अपने नबी के थ्रू। तो वो बहुत एक करीना है, आप मेरा नबी एक ऐसा करीना है कि जिसके थ्रू मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो रही है सिर्फ नाम लगा देने से। और से सोचें कि लोग कैसे देखते हैं अल्लाह ताला के वली, किस तरीके से देखते हैं इस खाली इनके मेरे नबी के नाम को। तो हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक मोहब्बत नहीं करेंगे, और जानने के लिए आप दुनिया की कोई सीरा की किताब उठाएं जो मेरे नबी सल्लम की सीरा हो, कोई भी किताब, और उसको शुरू कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ तजर्बे से, मुशाहिदे से, गारंटी से, आप एक किताब शुरू करेंगे चाहे जिस मर्जी लिखारी की हो, और वो एक एक करके आपको बाकी की किताबों का रुख दिखाएगी, और आपको फिर पता भी चलेगा आपने सैकड़ों किताबें पढ़ ली भी हों, मगर हमसे वो एक किताब नहीं शुरू होती, क्योंकि वो किताब के पीछे मेरी सुस्ती है कि किताब का मतलब तो है जी मैंने पूरा कोई कोर्स करना है तो ये करना है तो वो करना है। माँ बाप को मैं इसलिए बताता हूँ, कहानी सुनाया करें,
कहानी, बच्चे कहानी के लिए पैदा हुए हैं, हम सब कहानियों से सीखते हैं, बड़े जो हैं वो कहानी के बगैर भी सीख लेते हैं, मगर बच्चे सिर्फ कहानियों से सीखते हैं। तो वो वाली कहानियाँ क्रिएट करें, जो कि क्रिएट का मतलब है कि वाकया वही हो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, बच्चे को पता होगा कि वो कितना बड़ा वाकया सुनाने वाले हैं और हमारा हीरो जो है इस कहानी का कितना बड़ा हीरो है। और स्पेशली अम्मियाँ ये बात सुन लें कि जब वो बच्चे को कहानी सुनाएं तो कहानी हीरो की वजह से बड़ी नहीं होती खाली, उसमें विलन भी बड़ा होना जरूरी है। ओके, तो उधर पूरे की पूरी डिटेल से बताएं कि वो कितनी बड़ी सख्ती थी, कितनी कठिन किस्म का माहौल था, मामला थे जिसको सर करना जरूरी था इस कहानी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चाहे वो गज़वा हुनैन था जिसमें अकेला मेरा नबी खड़ा है और पूरी की पूरी फौज सामने खड़ी है और मेरा नबी अकेला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला। पिक्चर बनाए बच्चे के जहन में कि अकेला बंदा फौज के सामने खड़ा होता है तो वो क्या मंजर क्या होता है। ठीक है, चाहे वो बदर था, चाहे वो ओहद था, जो भी गज़वा, जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल डोमेस्टिक या पॉलिटिकल मामला था, उसकी तस्वीर कशी कैसे करनी है, उसमें हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने दिखाना है, वो अक्काशी करके देनी है बच्चे को। जब तक आपको ये बेसिक सी सेंस नहीं क्लियर होगी तब तक आप कहानी नहीं बना सकेंगे, जिसका मतलब है सुना सकेंगे। और जब आपको कहानी की बजाय किताबें सुनानी और डॉक्यूमेंट्री सुनाने की आदत पड़ेगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए बच्चे किताबों से दूर भागते हैं और इसलिए बड़े होकर भी वो सीरा नहीं पढ़ते। ये पूरी साइकिल मैंने आपको सिखा दी है कि किस तरीके से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों के दिलों के अंदर लेके जाना है, क्योंकि दुनिया में कोई और हस्ती डिजर्व नहीं करती कि दुनिया के हर इंसान के दिल में बसे हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दुनिया की एक भी हस्ती नहीं है जो डिजर्व करती हो कि दुनिया के हर पैदा हुए हुए इंसान के दिल के अंदर बसे, सिवाय मेरे मोहम्मद। अच्छा, और ये हक हम मुसलमानों को अदा करना है, ये फर्ज है हमारा कि जा के लोगों को। अच्छा साहिल साहब, जब अभी आपने जैसे सीरत का जिक्र किया और आपने कुरान का भी हवाला दिया कि यकीनी तौर पर हम यहाँ पर अमूमी तौर पर पाकिस्तान में अच्छा साहिल साहब डिस्कनेक्ट हो गए, रब्ता मुनक़ता हो गया जी अपना कारी साहब। बस मैं साहिल साहब ही से सवाल करना चाह रहा था, बाद में पहुँच जाएगा। बस मेरा सवाल तो यही था कि उन्होंने जैसे कहा ना कि नाते पढ़नी नहीं चाहिए, नाते हमें बन जाना चाहिए, तो कोई ऐसा निसाब तालीम भी तो होना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में यूथ के लिए, कि जो हमें अमली जामा पहनाकर और फिर मुसलमान बनाए, जैसा साहिल चाह रहे होते हैं। कुरान से बड़ा कौन सा निसाब तालीम है? हमारे पहले दौर में आपको बताता चलूँ, 17वीं सदी में जिसे हम दस निज़ामी कहते हैं, मुल्ला निज़ामुद्दीन ने जो निसाब तालीम मुतारफ़ करवाया था उसमें इल्म रियाजियात, इल्म हिंसा, इल्म तबियात, इल्म जराहा, डॉक्टरी का इल्म भी पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स आती थी, साथ में इल्म फ़िक़ा, उसूल हदीस, इल्म हदीस, इल्म तफ़सीर, इल्म कुरान, सारे दीनी उलूम भी उसी इदारे ही में पढ़ाए जाते थे। वो निसाब मुतारफ़ हुआ और वो चलता रहा। 1857 की जब जंग अजीम हुई तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त साहिल साहब आए, साहिल साहब हम अलग कर लेते हैं। साहिल साहब एक सवाल ये है कि जब हम कुरान करीम की बात करते हैं, यहाँ पर हमें बताया जाता है और जो कि लोग अमूमी तौर पर यह समझते हैं और ठीक भी है, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपको एक लफ्ज़ पढ़ने के बदले में 10-10 नेकियाँ मिलती हैं। कुरान क्या सिर्फ सवाब पढ़ने से सवाब हासिल होता है? लेकिन अगर हम देखते हैं तो क्या कुरान का मकसद सिर्फ सवाब का हुसूल था? ये तो बुनियादी तौर पर अल्लाह के अहकामात हैं, जब जब किसी भी जगह पर अल्लाह हुक्म नाजिल करते हैं तो इसका मतलब तो ये तो अमली ज़िंदगियों के नफाज की तरफ लेकर जाता है कि सबसे बड़ा सवाब है। तो सवाब का लफ्ज़ आप ऐसे नहीं कह सकते कि सवाब के लिए नहीं आया कुरान, मगर आपकी आप जो वजह से पूछ रहे हैं वो वजह बिल्कुल ठीक है कि हम खाली यहाँ पे बरकत इकट्ठी करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, हम यहाँ पे निज़ाम कायम कर रहे आए थे। किताब ये इस निज़ाम का सिलेबस है, उस निज़ाम का पूरा का पूरा, उस निज़ाम के इंतजाम क्या करने हैं वो है कुरान। अगर कुरान पाक में लॉ ना होता, कानून ना होता, कानून के अलावा कानून का फलसफा भी ना होता तो हम कहते हैं हाँ हम भी बरकत इकट्ठी करते हैं, अच्छे अच्छे इंसान बनते हैं, एक दूसरे को के चेहरों में मुस्कुराहटें फैलाते फैलाते मर जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। मामला ये है नहीं असल में। कुरान ने ऐसे ऐसे अहकाम और ऐसे ऐसे कवानीन खुद, हदूद खुद, ताजीरात खुद, सब फलसफा कानून खुद मुरतब कर दिया कि अब ये खाली पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखती ये किताब। दुनिया की और बहुत कम किताबें हैं कि जो इस तरीके से लिखी जाएं, इस वजह से लिखी जाएं और उसका राइटर सोचे हाँ चलो पढ़ तो ली ना,
तो काम हो गया। ये तो आम इंसान कोई किताब लिखी और खाली पढ़ने के और हम खाली पढ़ के समझे, उसने कानून की किताब लिखी और हम कहें हाँ हमने पढ़ ली अच्छी लगी है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ये तो मेरे रब कायनात की किताब है और वो निज़ाम के हसूल के लिए पुश करती है, तरीका बताती है और जब निज़ाम बन जाए तो उसके कवानीन भी बताती है। ये कहती है कि लियो रही राहू वाला दीन कुल्ली, कि जब ये पूरे के पूरे निज़ामों को चीरता हुआ उन पर गालिब आ जाएगा तो तुम देख लोगे। ये खुद सोचे कि ये आगे की प्रेडिक्शन किस तरीके से एनर्जाइज करती है एक मुसलमान को कि अगर तुमने ना किया, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने कहा अगर तुमने ये ना किया तो हम तुम्हें तुम हमारे कुछ चहीते नहीं हो। यही यहूदियों को बनी इसराइल को यही तो एक नाज चढ़ गया था जिसकी वजह से मारे गए मखदूब अलैहिम हो गए कि तो वो कुछ चहीते समझ गए थे अपने आप को। नबी अल्लाह के नबी वसल्लम की उम्मत को सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर तुमने ये ना किया तो फिर मैं तुम्हें उस कौम से रिप्लेस कर दूंगा जो तुमसे बेहतर हो। तुम किस यहाँ पे इस्लाम में रिश्तेदारियां कोई नहीं, मेरा अल्लाह अहद है उसके कोई रिश्तेदार नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर ये वार्निंग ना होती पुराने पाक में कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो फिर कुरान में 10-10 नेकियां उठाते हम भी खाली काम हो जाता। मगर यहाँ पे ये काम है नहीं, ये काम ये किताब खाली पढ़ने से गुजारा करवाने वाली है नहीं। ये कहती है कि काम भी करना पड़ेगा और निज़ाम पूरा का पूरा लेके आना पड़ेगा, और साथ ही खुशखबरी भी सुनाती है कि फिक्र नहीं करो, जुते रहोगे तो निज़ाम अल्लाह ताला खुद लेके आएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी नुसरत आएगी, पाओ की हिम ऊपर से भी ताहते हिम नीचे से भी आएगी, ये भी वादा करती है। तो ये तो बहुत ही बड़ा मामला हो गया। आप खुद सोचें इस तरह के मामला जब एक किताब में हों तो फिर बाकी के निज़ामों ने तो फिर चिढ़ना इससे, उनको तो हसद होना है निज़ामों को इस किताब से। तो वही हसद का नतीजा हर दफा ही हुआ है, जब भी मुसलमान अपनी अपनी कुरान पाक की एप्लीकेशन की तरफ दौड़े गैबी और जाहिरी दोनों ताकतें नबराजमा होगी। और अल्लाह ताला ने बाय द वे इधर ही कहा है कि तुम जानते नहीं हो वाहिदुल्लाहुम मस्तता तुम इनकुआ के, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उस ताकत के खिलाफ भी जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है और उसके कि जिसका तुम्हें इल्म है। साहिल साहब अब तो थोड़ा सा ना डिस्टॉर्शन है, टेक्निकल इशू है, हम दोबारा आपको फ़ोन कर रहे हैं, दूसरी लाइन पर ट्रांसफ़र करते हैं आपके कॉल। मुफ्ती साहब ये जो एक पहलू है कि जब हुक्म हम कुरान एक किताब इस तरह से है कि जिसमें अहकामात हैं, तो जब बात अहकामात की है और अगर अहकामात नहीं माने जा रहे अगर मुआशरे में सवाब के पहलू को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अल्लाह ताला की किताब है। इस दौर में फिर और इस सूरत हाल में क्या वाकई हम फिर तौबा नऊज़बिल्लाह बहुत गलत रास्ते पर हैं? जी देखें, जहाँ तक बात है ना कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो जब किसी चीज़ को उसके मकसद से हटा दिया जाए तो उसका असल फ़ायदा हासिल नहीं होता। जिस तरह मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन है तो इसका एक मकसद है कि फ़ोन करवाना, और अगर ये अपने मकसद को छोड़ दे तो फिर इसकी वो अहमियत नहीं रह जाती। इसी तरह बिला तमसील मिसाल मसला समझाने के लिए कि आग का एक मकसद है कि उससे एनर्जी हासिल की जाए, उस पर खाना पकाया जाए, लेकिन अगर आप उसको उसके मकसद से हटा देते हैं। सॉरी टू कट यू, हम अपने व्यूअर्स को बताते चले कि साहिल इज बैक एंड ही हैज जॉइंड अस अगेन। जी कंटिन्यू कीजिए। तो हर चीज़ का ना एक मकसद है, मोबाइल। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल फरमाया कि इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से तमाम तर जो तरीके हैं ना वो मौजूद हैं, उसको चाहे आप फिर कानून की शक्ल। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, हमें आज मेरा ख्याल 11वां रोज़ है ना। जी जी। तो हम जितने भी दिनों में 11वां दिन है, सहर व अफ्तार में काम हम कर रहे हैं रोज़ाना, जितने भी टेलीफोन कॉल्स आई हैं या जो सवालात आए हैं वो कोई एक ये नहीं आया उसमें कि अल्लाह का ये हुक्म है कुरान के जरिए हमें क्या करना है। जिसने भी पूछा है वजीफा ही पूछा है कि मैं इस मुश्किल में हूँ, मैं इस मुश्किल में हूँ, मुझे इसका वजीफा बना दें, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा मियाँ नहीं मान रहा, मेरी बीवी नहीं मान रही। तो कुरान का जो असल मकसद है वो तो किसी भी जगह नजर नहीं आया। देखिए ना, वही तो चीज़ है ना कि जब हमने कुरान को उसके मकसद से हटा दिया तो आज मुआशरे के अंदर हम पस्ती का शिकार हैं कि हमने कुरान रख लिया अदालत के अंदर कसम उठाने के लिए, बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान रख लिया सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को हमने कुरान हिफ्ज़ करवा दिया
या बच्चे को कुरान की तालीम दिलवा दी, नाजरा पढ़ा दिया, हमने समझा, हम समझ बैठे कि हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। भाई ये तो अभी एक वो पहले जीने पे हमने बच्चे को खड़ा नहीं किया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो कुरान समझाना बाकी है, अभी तो कुरान के अहकामात पर अमल करवाना बाकी है। तो जब हमने इसको इसके मकसद से हटा दिया तो फिर हम मुआशरे मकसद से हटा दिया तो मुआशरे में चीज़ें नजर आएंगी। साहिल साहब, ये जो हम 11वें रोज़े में आज मौजूद हैं यहाँ पर, जैसा आपने सुना होगा कि सिर्फ वज़ाइफ के पूछे जा रहे हैं, नहीं उसमें इनकार नहीं है, भी इनकार नहीं है, है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 11 दिनों में किसी ने ये नहीं पूछा कि वमल्लम याकुम बिमानजलल्लाहु फौलाइकुम फासिकून इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम वम वालहुम बिअन्नल्लाहुल जन्ना अलहाकुम अत्तकाज़ुर हत्ता ज़ुतुल मुकाबिर, ये किसी ने नहीं पूछा। वला यहुज़ु अला तामिल मिस्किन वला तहाज़ुन अला तामिल मिस्किन, किसी ने नहीं पूछा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, किसी की बीवी नाराज हो गई है, किसी का मियां नाराज हो गया, किसी की शादी नहीं हो रही है, ये सारी चीज भी हैं, लेकिन असल जो मकसद है ना, असल जो मकसद है परसेंटेज देखें उससे हट किसी एक ने ये नहीं पूछा। साहिल साहब, तो जब आप अस्पताल में होते हैं ना और आप शुगर के मरीज को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के तौर पे बैठे होते हैं और मरीज कहता है ना कि सर शुगर हराम है कि नहीं, तो आप ये नहीं कहते कि शुगर हलाल है, आप उसको यही कहते हैं कि बेटा तेरे लिए शुगर हराम ही है, ठीक है, और वो जितना मर्जी चीनी मांगता रहे उसके लिए बुरी होती है, इतनी खा चुका होता है वो कि अब उसने अपनी जिस्म की हालत तबाह कर ली होती है कि उसके लिए हम ये नाका लगा देते हैं कि ना अब इसके ऊपर एक कतरा भी ग्लूकोज का नहीं चढ़ाना, ये तो मर जाएगा। तो ये मुसलमानों का हाल है इस वक्त कि मुसलमानों को हाफिज साहब आपने बिल्कुल नस से पकड़ लिया है, जिनकी जान भी तोते में ना उस तोते की गर्दन पकड़ लिया आपने कि असली बात करने की बजाय ये सारे के सारे चीनी मांगने आ जाते हैं, शक्कर मांगने की लाइन लगाई हुई है सब शुगर के मरीजों ने कि हमें बीवी मिलने का वजीफा बताओ, तो नौकरी मिलने का, तो बच्चा पैदा होने का, तो लड़का हो जाने का, तो शादी हो जाने का, और हर चीज के बजाय बट रहे हैं, हर मस्जिद से बट रहे, हर खानकाह से बट रहे, हर गद्दी से बट रहे कि वजीफे ले लो, हर बंदे के हाथ में तस्वीर है, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो रेड़ी वाला, सिर्फ वजीफे चल रहे और एक भी बंदा वो आयती समझ रहा जो आपने जिससे शुरू किया है कि अगर तुम लोगों ने ये हकम दुनिया में अप्लाई ना किया तो तुम मुसलमानों की तो बात भी ना करो, तुम बेहतरीन लेवल में भी आओगे तो फासिक होगे वरना काफर ही रहोगे। तो काफरों ने क्या वजीफे करने, काफरों को कौन सी बरकत, फासिकों को कौन से हसनात, ये बात हमें बता ही नहीं जा रही कि भैया हमें शुगर हुई भी है, आपको शुगर के मरीजों को जितनी मर्जी ने किया कि ठीक करवा दो हसनात के नाम पे, उनकी शुगर ठीक नहीं और बुरी हो जानी, उनको चाहिए था कि सबसे पहले शुगर की कॉज बताते और बताते कि दुनिया में एक असल में निजाम है उसको दीन कहते हैं, वो हम पे नाफिज है। अब ये लफ्ज ढूंढ अपने कुरान में और देख इस दीन को कैसे तूने अपने अल्लाह के दीन से रिप्लेस करना और कैसे नबियों ने एक एक करके कुरान पाक के अंदर ही सारी की सारी तफसील मौजूद है, सीरा में भी है कि एक एक करके हर नबी ने अपने वक्त का दीन जो है ना वो पांच पांच किया था अपने रब के दीन कि ये लो नाफिज करके दिखाते हैं रब का दीन तुम। और जब नबी गया उसके बाद कौम ने दोबारा से अपना दो नंबर दीन एक निकाल लिया अख्तराहत के साथ और अपने आप को कोई फिलोसफर और मुफक्कर समझते रहे और खुद ही लॉज बनाने शुरू हो, खुद ही कानून बनाने शुरू हो गए, खुद ही अपनी तरफ से राइट्स एंड ड्यूटीज हकूक और फराइज की लिस्टें निकालना शुरू हो गए। हमारे दौर में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ईसा अपने मरियम के बाद भी ऐसे किया, आखिरी बनी इसराइल ने ऐसे किया, मूसा के बाद हजरत नूह के बाद नूह की कौम ने ऐसे किया, ऐसे ऐसे बुत खुद ही बना लिया, किस नाम से, वो लफ्ज़ क्या, बरकात के नाम से, हसनात के नाम से बुत बनाए हजरत नूह की कौम ने कि हम नेकियां करेंगे, इन तक नेकियां पहुंचाएंगे, ये बुजुर्ग थे जो मर गए थे इनके बुत बनाए जाएंगे। बिल्कुल वही लफ्ज इस्तेमाल करता है मुसलमान आज का कि हम नेकियां कर रहे हैं, हम बरकत इकट्ठी कर रहे हैं, और जब भी वैलिडेट करना पड़ता है और कोई भी बंदा उसे बोले सवाल करता है जो इमरान साहब आपने किए कि भाई क्या कुरान इसलिए आया था, क्या इस्लाम इसलिए आया था, तो वो कहता है सर आपको ज्यादा पता है या मेरे मुफ्ती साहब को, उन्होंने वजीफा लिख के दिया मुझे, तो उस वक्त फिर एक सोच दूसरी सोच की नबर आजमा होती है, लड़ाई होती है, पांच इस्तराब होता है और दोनों में से एक पांच पांच हो जाती है, और वो क्यों हो क्यों ना हो, आपकी सोच कैसे बचेगी आपके साथ, आपकी सोच नहीं बच सकती, बिकॉज जो लोग ज्यादातर लोग सोचते हैं जाहिलों में वो सही हो जाते हैं, जो हलाक की निशानी है कि जो ज्यादातर चल रहा हो बस वही सही है,
जब ये सवाल ही ना पूछा जाए कि यार असल में ये जो आयत है ये बाकी के जो इस वक्त मुसलमानों ने अपना खुद इम्तजाज बनाया हुआ है, कुरान की जो आधी आयत है तो इस इम्तजाज के ऊपर पूरी नहीं उतरती। कुरान तो कहता है उठ और हाथ से रोक जाके, और हमें कह रहा था कि नहीं नहीं ये हाथ से रोकने वाला काम आपका है ही नहीं, आप बस दिल में पूरा जाने यही है क्योंकि हमारे पास और कुछ हमारे बस में कुछ नहीं है, हमें तो रोक दिया, हमें बैन कर दिया जाएगा अगर हमने हाथ से रोका तो अब मुसलमान की अगर जान ही निकाल रूही निकाल दी जाए, रूही उसके हाथ में थी कि जो हाथ से बंदी को रोकता है साहिल साहब, वो माँ बाप डालते होते हैं वो रूह। जहाँ तक है ना सबका कौमों का ताल्लुक, सबका कौमों ने जो मामलात किए थे ना, साहिल साहब अब बात सुन ले, सबका कौमों ने जो मामलात किए थे ना उन्होंने जो बुत बनाए थे वो बतौर इबादत बनाए थे, ठीक है जी, और यहाँ पर आप बुतों को क्यास नहीं कर सकते। यहाँ पर देखे हमारे यहाँ ना, मैं अर्ज कर दूं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मफहूम है कि मैं अपनी उम्मत से शिरक को ख़त्म करके जा रहा हूँ, हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खौफ नहीं है, लेकिन खौफ किस चीज़ का है, अंतनाफसु फीहा, कि तुम दुनिया के अंदर गर्क होते नज़र आ रहे हो, जिस चीज़ को आज हम देख रहे हैं मुआशरे के अंदर कि दुनिया मतमे नज़र बनी हुई है। जहाँ तक शिरक की बात है, शिरक वो एक आखिरी हद होती है जिसके बाद आगे कोई हुक्म नहीं लगता। साबका कौमों ने क्या किया, अपने नबियों के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद या किसी और जगह जाने के बाद उन्होंने बतौर माबूद बतौर इबादत बुतों को सजदा किया। आज के इस दौर के अंदर बड़ी माजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि कोई बंदा जो शिरक की हद तक मामला करता हो। अगर कोई बंदा किसी बुज़ुर्ग के पास भी जाता है तो उससे जब पूछा जाता है ना साहिल साहब कि आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता है कि मैं फलां बुज़ुर्ग के पास जा रहा हूँ, किस वजह से, कि मैं उससे दुआ करवाऊँ कि वो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरी इस जो मुश्किल है परेशानी है इसको दूर कर दे। मुफ्ती साहब कुरान में अल्लाह ये फरमाते हैं कि वकाल रब्बुकुम उदूनी यस्तजीब लकुम, किसी बुजुर्ग का जिक्र नहीं है। ये बात ठीक है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए, लेकिन कुरान ये भी तो कहता है, एक मिनट सर, एक मिनट, कुरान ये भी तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ताकि ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ जाने का वसीला तलाश करो। अगर हम इसको हदीस से देखते हैं ना, तो वो बंदे के जो तीन गार के अंदर फंस गए थे उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अगर डायरेक्ट दुआ की जाती तो अपने अमल का वसीला पेश ना करते, उन तीनों ने अपने अमल का वसीला पेश किया, अल्लाह ताला ने उनकी उस मुश्किल को दूर कर दिया। अब उसके बाद इसी से आगे फिर कयास किया जाता है और ये मसला अखज किया जाता है कि अगर अमल जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होता है मरदूद भी, तो उसका वसीला अगर जायज़ है तो अल्लाह ताला के नेक और फिर इस बारे में हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह का वो कौल मौजूद है और बल्कि अमल मौजूद है कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का वसीला पेश करते। तो ये सारी चीजें वो हैं कि यहाँ बतौर इबादत नहीं, यहाँ बतौर बरकत और वसीला है। जी साहिल साहब, इनकार नहीं किया जा सकता। जी साहिल साहब, मुझे मौका देंगे तो मैं कोई बात करूंगा। जी साहिल साहब, जी करें ना। सर, बात किसी और, बात ताहूत की हो रही है। आपने ये साबित कर दिया कि हमें शिर्क नहीं है। हमने मैंने कहा था आपको शिर्क की बीमारी है, मैंने कहा हम लोगों को ताहूत की बीमारी है। आपने सारे के सारे टेस्ट लैब में डाल दिए और कहा खून में शिर्क नहीं पाया गया। हमने तो एक टेस्ट ब्लड टेस्ट भेजा नहीं था शिर्क की टेस्टिंग के लिए। मैं वो भी सबूत दे देता हूँ शिरके खफी किधर किधर करते हैं, जिसका नबी सलाम ने अंदेशा भी जाहिर किया, भाई दबे वो आपने नहीं जिक्र किया। मगर मेरा ये मौजू ही नहीं है कि हम शिरक करते हैं कि नहीं। मेरा तो मौजू ये था कि इमरान साहब ने जब ये हाफिज साहब ने सवाल पूछा, और बड़ा तह का सवाल है जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकता कोई सिवाय इसके कि वाकई हमने कुरान को का जिम्मा नहीं निभाया, हमने कानून के ऊपर अपनी अल्लाह ताला के कानून नाफिज करने के लिए कुछ नहीं किया, ना ही ताकत इकट्ठी की, ना ही उसको अप्लाई करने की स्ट्रेटजी बनाई, ना ही ये बात जरूरी समझी कि इसके अलावा काम नहीं होने वाला। मेरा मकसद आपकी आप बात का जवाब देना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी बात की तस्दीक करना था। और जहां पर जो बात मुझे मेरे अकल के मुताबिक दुरुस्त नहीं थी, मैंने उसकी तस्दीक की, मैंने कोई आपके पॉइंट को गलत नहीं किया। जहां पे आप सही बोल रहे थे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही और है, तो अच्छी बात है। जी जी, ये कि हम मुसलमान कानून बनाने की पोजीशन में नहीं है, और ये है कुरान पाक का सेंट्रल सब्जेक्ट कि मुसलमान मर्द और औरत कानून को ना सिर्फ समझते होंगे बल्कि बनाने, कानून को वाज़े करने, लिखने, इम्प्लीमेंट करने की ताकत में होंगे हर वक्त। ये है कुरान का सेंट्रल मौजू, एक अहकामी किताब
एक मांगने वाले को तो आ भी नहीं सकती। अहकामी किताब सिर्फ और सिर्फ सरताज को आती है, जर्नलों को आती है, बादशाहों को आती है, हाकमों को आती है, वरना कुतिबा अलैकुम किताब किसी रेडी वाले को तो नहीं मैं कह सकता कि हाँ भाई कतल कतरे में तो कतल फर्ज है। कुतिबा अलैकुम सयाम जो है वो एक ऑर्डर है, वो रिक्वेस्ट नहीं है। रोजा तुम पे फर्ज किया गया, ये आप बात कैसे किस नौयत से कर सकते हैं? ये सिर्फ उस नौयत और उस हैसियत से कर सकते हैं कि जब आप एक हुक्म देने की पोजिशन में हो, वरना तो मैं तो किसी को झूठ बोलने से भी नहीं मना कर सकता। वो कहेगा भाई तेरे तेरा क्या है, तू कौन है जो मुझे मना करेगा? ये कानून नाफिज करने के पीछे जो फलसफा है वो हमारी अपनी अल्लाह ताला ने मेक के अंदर हमारे नफ्सियात के अंदर एम्बेड किया हुआ है। ये कब से मैं बता रहा हूँ कि मेरा और आपका मौजू अलग अलग है। आप जिस जगह पे आके रेजिस्टेंस देते हैं मेरा वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। आपने अभी भी दोबारा से शिर्क का एक लेक्चर दिया जिसका कोई जरूरत नहीं थी हमें, हमें से कोई मुशरिक नहीं है, मगर हम सब ताहूती हो चुके हैं क्योंकि हमने एक नया कानून सही मान के अपने साहिल साहब हम इफ्तारी की तरफ जा रहे हैं और कल हम ये जो वसीले वाला एक मामला है इस पर भी मुफ्ती साहब की राय लेंगे और मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये भी एक ऐसा मौजू है जिस पर खासी बहस की और खासी गुफ्तगू की जरूरत, लोगों तक सही पैगाम जरूर जा सके। आप तमाम लोगों का, चांडिया साहब आपका, कारी साहब आपका, जनाब मुफ्ती साहब आपका, कारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। हम इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और इफ्तार के लिए दुआ की दरख्वास्त है। कारी साहब आप ही दुआ फरमा दें अगर माइक आपके पास है तो। कल आपसे सहरी में दोबारा मुलाकात होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया हमारे साथ रहिए। हम इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे सहरी में इंशाल्लाह। मुलाकात होगी फिर से इफ्तार में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्व फाफु अन्ना। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व उफव्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद। وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب।